आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 15। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू टर्म इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का दूसरा नाम इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी है। ये जस्ट रिवर्स है आयनाइजेशन एनर्जी का। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या था, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हम लोग एनर्जी दे रहे थे, यही था ना। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड एटम इन ग्राउंड स्टेट, यही था ना। ये क्या है, उसका जस्ट रिवर्स है। उसमें इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिमूव कर रहे थे इसलिए एनर्जी देना पड़ रहा था। इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं और ये खुद एनर्जी रिलीज करता है, तो जस्ट रिवर्स है कि नहीं। उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना था, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है और ये एनर्जी खुद ही रिलीज करेगा। उसमें एनर्जी देना पड़ता था और ये रिलीज करता है, तो इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी। एन्थैल्पी मतलब एनर्जी, एग्जैक्ट मीनिंग एन्थैल्पी का ये हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में। ये एनर्जी जैसा ही है, ठीक है, बस ये है कि कांस्टेंट प्रेशर पर, तो वो सब हम देखेंगे वहाँ पर थर्मोडायनामिक्स में। अभी तुम इसका मतलब एनर्जी समझो। तो इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी ये और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों सेम ही है। डिफरेंस ये है कि ये पहले यूज होता था ये वर्ड, मतलब ये ओल्ड कंसेप्ट है और ये न्यू कंसेप्ट है। डिफिनेशन सेम है दोनों के लिए, मतलब मीनिंग सेम है लेकिन नाम अलग अलग है। पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था, अभी नाम इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी है। लेकिन एग्जाम में अभी भी क्या करता है, ये वर्ड ले आता है, ये वर्ड अभी भी एग्जाम में आ जाएगा। तो तुमको इस दोनों में जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो समझना है। ये दोनों का मीनिंग सेम है, बस डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा एच ईजी, हाँ ये टर्म जो है ये है इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी के लिए। डेल्टा एच का मतलब क्या था, डेल्टा एच का मतलब है चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। एच मतलब यहाँ पर हीट समझो, हीट के लिए, ये एच जो आया है वो हीट के लिए आया है, तो हीट मतलब एनर्जी ना। तो डेल्टा एच का मतलब चेंज इन एनर्जी, और ये ईजी मतलब, ईजी का मतलब आया है ये इलेक्ट्रॉन गेन के लिए, ठीक है। और एन्थैल्पी मतलब एनर्जी या हीट, वो उसका मतलब है ये एच, ठीक है। तो इसके लिए आया है ये एच, और ये ईजी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन का शॉर्ट फॉर्म ईजी है, तो डेल्टा एच ईजी का मतलब चेंज इन एनर्जी। कौन सा एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो चेंज होता है एनर्जी, ठीक है। तो डेल्टा एच ईजी का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने में जो एनर्जी में चेंजिंग आता है, दैट इज कॉल्ड डेल्टा एच ईजी, क्लियर। तो ये न्यू कॉन्सेप्ट है, मतलब अभी मॉडर्न में ये नाम हम दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अगर गेन करने से एनर्जी रिलीज होता है तो उसका नाम हम इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी दे रहे हैं, और पहले उसी का नाम था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाँ दोनों, देखो दोनों का मीनिंग सेम है। अब बोलोगे ऐसा कैसे, तो देखो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज करता है। तो देखो दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है, अभी इसको पहले डिफाइन करेंगे तब समझ में आएगा एग्जैक्टली, ठीक है। ये समझ में आया, अगर ये पॉजिटिव लेंगे तो ये निगेटिव, और ये निगेटिव लेंगे तो ये पॉजिटिव, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मतलब अगर ये प्लस फाइव है तो ये होगा माइनस फाइव, ये अगर माइनस फिफ्टी है तो ये होगा प्लस फिफ्टी। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट साइन डिफरेंट होगा, सिर्फ साइन, ठीक है। अब इसको पहले डिफाइन करते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट। तो ये क्या है, जस्ट रिवर्स है आयनाइजेशन एनर्जी का। उसमें क्या था, एनर्जी हम लोग दे रहे थे, एनर्जी दे रहे थे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा था। इसमें क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ये एनर्जी खुद ही रिलीज कर रहा है। कब, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट। तो ये ग्राउंड स्टेट में अगर आइसोलेटेड गैसियस एटम है, मतलब सिंगल एटम है, सिंगल एटम है और गैस के फॉर्म में, वहां भी यही था ना, सिंगल एटम गैस के फॉर्म में था, तो उसको वहां से इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर रहे थे। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं, तो जस्ट रिवर्स है। और उसमें क्या था, एनर्जी दे रहे थे, इसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है। जैसे मान लो एक्स है, कोई एटम है गैस के फॉर्म में, ये सिंगल एटम है आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में, इसको हमने इलेक्ट्रॉन दिया और ये इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ये इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पर चार्ज क्या आएगा, माइनस। और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये थोड़ा सा एनर्जी रिलीज किया, मान लो इसने 10 जूल एनर्जी रिलीज किया, ठीक है, मान लेते हैं।
तो प्लस 10 जूल लिखेंगे। प्लस 10 जूल का मतलब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड आया है। अब अगर तुम डेल्टा एच के टर्म में लिखोगे, कितना हमने माना है कितना रिलीज करेगा, 10 जूल 10 जूल। तो डेल्टा एच ई जी मतलब चेंज इन एनर्जी कब, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद। डेल्टा एच ई जी का मतलब क्या है, चेंज इन इंथैल्पी। कौन सा इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो डेल्टा एच ई जी होगा माइनस 10। अगर हमने ये 10 लिया है मैग्नीट्यूड, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगा प्लस 10 और डेल्टा एच आएगा माइनस 10, मतलब एक्सोथर्मिक। तो डेल्टा एच का साइन जो है ना वो इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक को बताता है। डेल्टा एच अगर निगेटिव है दैट मीन्स इट इज एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव होगा दैट मीन्स इट इज इंडोथर्मिक। जैसे मान लो, वैसे तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ पर, थर्मोडायनामिक्स में, अभी हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं। ये इनर्जी अगर इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे इसको अगर तुम हीट कर रहे हो मार्कर को, तो इसका खुद का इनर्जी बढ़ेगा या घटेगा। इसको अगर तुम सनलाइट के सामने रख दो तो ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा एनर्जी गेन करेगा, तो इसका खुद का एनर्जी बढ़ेगा। तो मान लो शुरू में था ये मान लेते हैं हम 6, और कुछ देर के बाद हो गया कितना, ये मान लो 10 हो गया, या शुरू में 6 था और बाद में हो गया मान लो 20, तो कितना इंक्रीज हुआ, 14 का इंक्रीज हुआ। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव ये बताओ, पॉजिटिव होगा ना। तो इसने एनर्जी गेन किया है, तो डेल्टा एच क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब 14। ये कितना हम लोग फाइनल कितना माने थे अभी, 20, इसमें इसका फाइनल 20। इसको धूप में रख दो सनलाइट के सामने, तो ये मान लो हो गया 20, पहले से कितना था 6। तो फाइनल माइनस इनिशियल 20 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। पॉजिटिव आएगा या निगेटिव, पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में डेल्टा एच आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव आना भी चाहिए क्योंकि इंक्रीज हो गया है, इंडोथर्मिक है, ठीक है। ये इंडोथर्मिक का मतलब ये एक तरह से आइनाइजेशन एनर्जी जैसा है। आइनाइजेशन एनर्जी में क्या था, हम लोग हीट दे रहे थे, वहां पर हीट दे रहे थे ना, तो एनर्जी बढ़ रहा था, मतलब उसका खुद का एनर्जी बढ़ रहा था। तो हीट हम लोग दे रहे थे, वो हीट गेन कर रहा था, तो उसको हम लोग बोलते थे, क्या बोलेंगे उसको, डेल्टा एच, वहां पर पॉजिटिव। लेकिन अगर ऐसा है कि इसको क्या करो, ये पहले से मान लो इसका टेम्परेचर ज्यादा है, पहले से टेम्परेचर ज्यादा है, और इसको तुम ये पहले से मान लो सनलाइट के सामने रखा हुआ है, और फिर इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लाके रख दो, तो ये क्या करेगा, ये ठंडा होगा, तो एनर्जी रिलीज करेगा कि नहीं, ये ठंडा होगा। तो पहले से मान लो ये मान लो 10 जूल है इसका एनर्जी, अभी हो गया मान लो 3 जूल, पहले से 10 है अभी 3 हो गया ये ठंडा होने के बाद। तो इसने कितना रिलीज किया, ये पहले 10 था, तो इस केस में डेल्टा एच कितना, 3, ये 7 ना, तो पहले 10 था और अभी हो गया 3, तो इसने 7 जूल एनर्जी रिलीज किया, किसको दिया, एटमॉस्फेयर को, यही ना। जैसे मान लो तुम आइस को अपने बॉडी से टच करो, तो आइस एनर्जी रिलीज करता है या गेन करता है, आइस तुम्हारे बॉडी से एनर्जी रिलीज, ये गेन करता है। तुमको ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि तुम्हारे बॉडी से हीट जा रहा है आइस में, तो आइस गेन कर रहा है, लेकिन तुम्हारा बॉडी क्या कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये सब पढ़े हो ना। तो तुम्हारे बॉडी से एनर्जी किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, अगर तुम्हारे बॉडी में आइस टच होता है तो तुम्हारे बॉडी से एनर्जी जा रहा है आइस में, ठीक है। तो ये अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब इसके पास अगर 10 जूल एनर्जी है, और इसको हमने रख दिया कोल्ड इन्वायरमेंट में जहां पर टेम्परेचर कम था, तो इसका मान लो टेम्परेचर कम होकर के ये इसके पास अब 3 जूल एनर्जी बचा, तो पहले 10 था अभी 3, तो डिफरेंस कितने का आया, 7 का। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, निगेटिव या पॉजिटिव, दिमाग लगाओ। तो 3 माइनस 10 कितना आएगा, माइनस 7 ना, तो देखो डेल्टा एच निगेटिव आया कि नहीं। तो ये जो निगेटिव और पॉजिटिव जो है, इसका मतलब है, ये पॉजिटिव मतलब इंडोथर्मिक गेन करना, और निगेटिव मतलब रिलीज करना, मतलब एक्सोथर्मिक रिलीज करना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया पॉजिटिव निगेटिव का मतलब। हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव का क्या मतलब है, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी, समझ में आया बात, ये इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी है। और ये डेल्टा एच निगेटिव का मतलब इनर्जी रिलीज कर रहा है। जैसे मान लो इसको समझने के लिए, जैसे मान लो ये एक्स गैस के फॉर्म है ना, तो इसको इलेक्ट्रॉन लेने का मन है, मान लो इसको इलेक्ट्रॉन लेने का मन है, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका पॉजिटिव होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी। एफिनिटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी को बता रहा है। तो ये इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया और इस पर चार्ज आ गया माइनस,
तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया पॉजिटिव। जब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसके बाद एनर्जी रिलीज किया, तो रिलीज करेंगे तो उसका साइन क्या आएगा? एनर्जी अगर रिलीज होगा तो उसका साइन क्या आएगा? डेल्टा एच क्या आएगा? डेल्टा एच निगेटिव आएगा। तो डेल्टा एच के टर्म में अगर लिखोगे तो ये निगेटिव आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन करने के टर्म में लिखोगे, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म में, तो पॉजिटिव आएगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, समझ में आया? जैसे यहाँ पर 7 जूल एनर्जी रिलीज किया, ठीक है, ये 7 जूल है और ये था 14 जूल, तो इसने रिलीज किया 7 जूल और एटमोसफेयर को मिला ना, वो इसने रिलीज किया, ये मार्कर किसको देगा? एटमोसफेयर में ही ना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब है? जैसे यहाँ पर इसने रिलीज किया तो वो मिला किसको? एटमोसफेयर को, तो एटमोसफेयर ने गेन किया। या आइस को हम रखें अगर तुम्हारे हाथ पर, मतलब तुम्हारे बॉडी के टच में, तो तुम्हारे बॉडी ने क्या किया? एनर्जी रिलीज किया और आइस ने क्या किया? गेन किया। तो उसके लिए पॉजिटिव और इसके लिए निगेटिव, क्लियर? तो इसने रिलीज किया। जैसे मान लो तुमको भूख लगा है, ठीक है, यहाँ पर ये इसका मीनिंग अभी हम क्लियर करते हैं, ये टेंडेंसी जो इलेक्ट्रॉन गेन करने का है उसका मीनिंग क्लियर कर रहे हैं। जैसे मान लो तुमको भूख लगा है तो तुम खाना खाओगे, मान लो तुम 10 घंटे से या उससे भी ज़्यादा, मान लो एक दिन से 24 आवर से भूखे हो, तो तुम्हारे चेहरा पर एक्सप्रेशन दिखेगा, अगर तुम भूखे हो तो चेहरा कैसा दिखेगा? टेंशन में से थोड़ा, मतलब हाँ, डल टाइप का लगेगा। तो चेहरा देख करके, तुम्हारा फेस देख करके समझ में आ जाएगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो अगर तुम 24 आवर से भूखे हो तो तुम थोड़ा सा टेंशन में रहोगे। उसके बाद तुमको खाना मिल गया मान लो, और खाना भी मिला बहुत ही अच्छा क्वालिटी का, मान लो खाना भी जो तुम्हारा फेवरेट फूड था वो मिल गया, और उसके साथ साथ जो भी तुमको चाहिए सब कुछ मिला, वो भी अनलिमिटेड। तो तुमने खाना खा लिया, अब चेहरा तुम्हारा कैसा रहेगा? खाना खाने के बाद सडनली तुमको तुम्हारा चेहरा, फेस जो है चेंज हो जाएगा। तो खाना तुमने गेन किया, पहले क्या था? टेंशन में था तुम, पहले टेंशन में था, जब तुमने खाना गेन कर लिया, खाना खा लिया, उसके बाद सडनली तुम्हारे चेहरे पर स्माइल आएगा। तो उसके बाद ये जो स्माइल है ये क्यों है? ये तुमने जो गेन किया है ना खाना, उसके बदला में ये एक्सप्रेशन तुम दिखा रहे हो, मतलब अब तुम खुश हो गए हो। जैसे मान लो कोई डॉग है, उसको क्या करो, उसको एक दिन से 24 आवर या उससे भी ज़्यादा से भूखे रखो, तो वो भूखा अगर है उसको बांध के रखो, तो वो भूखा है तो वो डल टाइप रहेगा, या उसके पास कोई जाएगा वो काटने को दौड़ेगा, ठीक है। अगर डॉग को अगर तुम 24 आवर से खिलाए नहीं हो, सडनली उसको उसका फेवरेट फूड रख दो, वो भी अनलिमिटेड, अब उसने क्या किया, सारा खा लिया, उसके बाद अब देखो उसके पास एनर्जी, अब उसका चेहरा चेंज हो जाएगा, अब इधर उधर जो भी उसका है, मतलब इधर से उधर करने लगेगा। तो ये जो दिख रहा है ना, जैसे तुमने खाना खाने के बाद तुम्हारा जो फेस दिख रहा है वो क्या है? वो तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है, एक तरह से वो रिलीज कर रहा है तुम्हारा ये, इसको क्या बोलोगे, जब तुम्हारा चेहरा फेस चेंज हो जाता है तो उसके बाद एक तुम्हारे चेहरे पर क्या आ रहा है? स्माइल आ रहा है, तो हाँ, ग्लो आ रहा है। तो तुम अभी तुम्हारा जो है एक तरह से दिखा रहा है कि तुमने खाना खाया है और अब तुम खुश हो। तो खाना खाने के बाद जितना ज़्यादा टेस्टी खाना तुम खाओगे, मतलब अगर तुमको भूख ज़्यादा लगा है तो खाना खाने के बाद ज़्यादा खुश होगे कि नहीं, मतलब चेहरा पर ज़्यादा ग्लो आएगा, स्माइल ज़्यादा आएगा, अच्छा लगेगा ज़्यादा। लेकिन पहले से ये कोई खा के बैठा हुआ है, उतना खाने का मन नहीं है, उसको खिला भी दिए तो ज़्यादा चेंजिंग नहीं दिखेगा, समझ में आया बात? तो यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लेने के सेंस में है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के सेंस में, मतलब खाना खाने का जो तुम्हारा जो ये टेंडेंसी है, जितना ज़्यादा भूख होगा उतना ज़्यादा खाने का टेंडेंसी है कि नहीं। तो खाने का अगर हम एफिनिटी की बात करें, जैसे यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन खाने का टेंडेंसी है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी, तो तुम्हारा अगर भूख ज़्यादा है तो खाने का टेंडेंसी, मतलब खाना ये एफिनिटी टुवर्ड्स फूड ज़्यादा होगा ना, खाना खाने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा। तो खाना तो तुम्हारे अंदर चला गया लेकिन चेहरा पर एक्सप्रेशन बाहर दिख रहा है, तो तुम एनर्जी रिलीज कर रहे हो, तुम्हारा फेस से दिख रहा है कि तुमने खाना खाया है और अब तुम खुश हो। तो ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने के सेंस में। अब जब उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो खुश हो गया। जैसे डॉग है, वो खाने के बाद मान लो डांस करने लगा, ठीक है, तो ये उसका जो एक्सप्रेशन है वो एक तरह से एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो जितना ज़्यादा खुश होगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा कि नहीं? तुम जितना भूखा है, जितना ज़्यादा टेंडेंसी है तुमको खाने का, तो खाने के बाद उतना ही ज़्यादा तुम खुश हो जाओगे
और उतना ज्यादा तुम्हारे चेहरा पर, तुम्हारे फेस पर ग्लो आएगा, मतलब फेस में शाइनिंग दिखेगा। तो जो एक्सप्रेशन है वो खाना कितना अच्छा है प्लस तुम कितना भूखे हो, दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर तो खाने का क्वालिटी से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हर बार इलेक्ट्रॉन ही है, यहाँ तो हर बार खाना सेम ही है ना। बस डिफरेंस क्या है कि जो ले रहा है खाना, मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वो भूखा है या नहीं। ठीक है, तो अगर अगर मान लो कोई एटम अगर भूखा है तो खाने के बाद, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, वो खुश हो जाएगा और एनर्जी रिलीज करेगा। क्लियर है? तो डेल्टा एच निगेटिव होगा कि नहीं एक्सोथर्मिक। जैसे मान लो क्लोरीन, क्लोरीन गैस के फॉर्म में हम सिंगल एटम ले रहे हैं, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, इसके पास एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 17, 2.8.7। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका वैलेंसी भी 1 होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है अगर इनर्ट गैस जैसा इसको बनना है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए पागल है, क्योंकि सिर्फ इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये देखो स्टेबल बन गया, ये बन जाएगा कैसा, ऑर्गन जैसा। तो ये देखो ये इनर्ट गैस जैसा बन गया। तो एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ये भूखा है, तो एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, अब ये खुश हो गया। तो इसका टेंडेंसी बहुत ज्यादा था एक इलेक्ट्रॉन लेने का, तो लेने के बाद ये ऐसा बन गया, ऐसा बन गया। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इसका टेंडेंसी जो भी है वो पॉजिटिव है, लेकिन लेने के बाद अब वो खुश हो गया। तो अब जितना ज्यादा टेंडेंसी है इसका लेने का, उतना ही ज्यादा एक्सप्रेशन इसका, मतलब फेस चेंज हो जाएगा, मतलब उतना ज्यादा ये एनर्जी रिलीज करेगा। क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और उसके बाद इसका डेल्टा एच क्या होगा, निगेटिव होगा, एनर्जी रिलीज करेगा। समझ में आया बात? तो ये खुद से ले रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब तुम इलेक्ट्रॉन दे दिया और ये इसने खुद से ले लिया, ऐसा नहीं कि तुमने पकड़ के इसको खिलाया। जैसे मान लो कोई नहीं खा रहा है, मान लो कोई नहीं खा रहा है और वो भूखा है लेकिन उसको खाने का मन नहीं है या खाना से अट्रैक्शन नहीं है, तो तुम क्या करोगे, उसको पकड़ के खिलाओगे। लेकिन कोई ऐसा है जो भूखा भी है और खाने का मन है, मतलब खाने भी उसको अच्छा लग रहा है, तो वो खुद से खाएगा ना। तो तुमने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तुमने इसके पास इलेक्ट्रॉन रख दिया, अब ये खुद से ले रहा है, ये खुद से ले रहा है, इसका मतलब इसका मन है लेने का। तो लेने के बाद ये खुश हो जाएगा, तो इसका ये लेने के बाद खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका लेने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव, कुछ ना कुछ तो होगा, और डेल्टा एच क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि लेने के बाद एनर्जी रिलीज कर रहा है। क्लियर है? अब तो समझ में आ गया ना। अब जैसे मान लो कोई ए है एटम गैस के फॉर्म में, अब इसमें इसमें से हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो उसके लिए नाम क्या हो, इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं एनर्जी दे करके, तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, आयनाइजेशन एनर्जी ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो ये पर चार्ज क्या आएगा, प्लस, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो ये है आयनाइजेशन एनर्जी। किसका आयनाइजेशन एनर्जी, ए का। लेकिन अगर मान लो इसने वापस इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, लेकिन अगर इसने वापस इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये कैसा बन जाएगा, वापस ऐसा बन जाएगा फिर से। तो अगर इधर से इधर जाएंगे हम, तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या नहीं, अगर इधर से इधर जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लेकिन अगर इधर से इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो इधर से अगर इधर जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी, इसको हीट देना पड़ रहा है, लेकिन इधर से अगर इधर जा रहा है तो ये इसका ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसके लिए इधर से इधर जाएंगे तो इसके लिए वर्ड आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी। किसका, इसका नहीं, इसका। तो देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए प्लस। क्लियर है? अब यहां पर देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इस पर चार्ज क्या आएगा, फ्लोरीन माइनस, एफ माइनस। तो ये यहां से अगर यहां आ रहे हैं तो ये गेनिंग टेंडेंसी है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या आयनस एनर्जी, यहां से यहां आना क्या है, आयनस एनर्जी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहां से यहां देखो, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, तो ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी बता रहा है। ठीक है? लेकिन अगर इधर से इधर गया, यहां से यहां गया, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो यहां से अगर यहां गया तो ये आयनाइजेशन एनर्जी को बता रहा है। ठीक है? यहां से यहां जाना मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, मींस ये इंडिकेट कर रहा है किसको, आयनाइजेशन एनर्जी को। क्लियर है? तो देखो दोनों रिवर्स है कि नहीं, एक है गेनिंग टेंडेंसी और एक है लूजिंग टेंडेंसी। ठीक है? तो दोनों समझ में आया, दोनों में दोनों अपोजिट है। क्लियर है? इन मोस्ट केसेस एनर्जी इज रिलीज्ड ऑन एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब देखो
तुम तो सोच रहा होगा हर बार इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एनर्जी रिलीज ही होगा, जैसे हर बार खाने के बाद चेहरा पर ग्लो आएगा, मतलब चेहरा पर शाइनिंग दिखेगा, खुश हो जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मान लो कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कम खाते हैं, या भूख भी है तो खाने का मन नहीं है, या जो खाना है वो उसको पसंद नहीं है। तो जिसको मान लो जैसे बच्चे बच्चे लोग कुछ कुछ रहते हैं ऐसे जिसको खिलाते हैं लेकिन वो खाता नहीं है, उसको पकड़ के खिलाना पड़ता है, तो उस केस में तुमको एनर्जी देना पड़ रहा है उसको खिलाने के लिए। इन जनरल हम बात करें तो भूख अगर लगा है तो खुद से खाएगा, भूख अगर किसी को लगा है तो खुद से खाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भूख लगा भी है और वो खाना नहीं खा रहा है, तो उसको पकड़ के खिलाया जाएगा, ठीक है। तो अगर पकड़ के खिला रहे हैं तो उस केस में उल्टा एनर्जी देना पड़ रहा है। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी में कभी एक्सेप्शन नहीं आएगा। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना। तो इलेक्ट्रॉन निकालना, जैसे मान लो तुमको किसी से पैसे छीनने हैं, ठीक है, किसी के पास पैसे है और उससे लेना है और वो दे नहीं रहा है, कहीं पर जा रहा है कोई और उससे पैसे लेने हैं, तो तुमको अगर सीधा तरीके से नहीं दे रहा है तो तुम उसको धमकी दोगे। तुम्हारे पास अगर ज़्यादा पावर है तो उसको मतलब उसको पिटाई करोगे या जो भी करो, तो वो उससे पैसे तुम ले सकते हो। तो तुमको एनर्जी लगाना पड़ा, तुमको एनर्जी देना पड़ा ना। तो तुमको तुम्हारी एनर्जी पर डिपेंड करता है कि तुम उससे पैसे ले सकते हो या नहीं। लेकिन अगर किसी को पैसा देना है, किसी को अगर पैसा देना है और वो ले ही नहीं रहा है, अब उस पर डिपेंड करता है कि वो पैसा लेने का मन है या उसका या नहीं। जरूरी नहीं है कि रोड पर अगर पैसा रखा हुआ है तो जितने लोग जा रहे हैं, अगर मान लो 1 लाख लोग अगर जा रहे हैं और पैसा रख दिया गया, तो जरूरी नहीं है सब लोग पैसा उठा ही लेगा, कोई जरूरी नहीं है। कुछ कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो सोचेगा अरे हम बहुत अमीर है, हमको क्यों चाहिए, ये 100 रुपये का नोट है तो जाने दो। अब अंबानी जा रहा है वहां पर 100 रुपये का नोट रख दोगे तो वो लेगा क्या? कहने का मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना मतलब पैसे लेना, वो उस पर डिपेंड करता है, उसका टेंडेंसी है, उसको मन है तो लेगा, नहीं मन है तो नहीं लेगा। लेकिन मान लो तुमको अगर फिर भी देना है, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है, तुमको फिर भी देना है, तो तुमको फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब तुमको एनर्जी देना पड़ेगा उसको। उसको एनर्जी दोगे तब जा करके वो फिर वो ये जो भी है मतलब इलेक्ट्रॉन या पैसे जो भी है वो रखेगा, ठीक है। उसका अगर मन नहीं है तो फिर तुमको एनर्जी देना पड़ेगा। लेकिन किसी से पैसे लेने हैं तो वो नॉर्मल तरीका से देगा तो देगा नहीं। अगर तुम उसको बोलोगे कि तुमको रिटर्न कभी नहीं करेंगे, अगर तुम बोलोगे कभी रिटर्न नहीं करेंगे तो वो पैसे देने का उसको उससे पैसे लेने के लिए तुमको एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी जो था मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमेशा एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है। वहां पर डेल्टा एच क्या था? पॉजिटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी जो है, अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी, ये दोनों हो सकता है। किसी का मन है इलेक्ट्रॉन लेने का तो लेगा, नहीं मन है तो नहीं लेगा। इसीलिए यहां पर क्या आया है वर्ड, देखो यहां पर आया है जनरली वर्ड, इन मोस्ट केसेस एनर्जी इज रिलीज्ड। इन मोस्ट केसेस, ऑलवेज नहीं, इन मोस्ट केसेस एनर्जी इज रिलीज्ड ऑन एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो मोस्ट केसेस में क्या होगा, कोई अगर भूखा है तो खाने के बाद वो खुश हो जाएगा, लेकिन गारंटी नहीं है। कुछ कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है जो खाने के बाद उल्टा टेंशन में आ जाए, खाना उसको पसंद नहीं है, अब किसी तरह वो खा रहा है, ठीक है। तो इन मोस्ट केसेस एनर्जी इज रिलीज्ड ऑन एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू गैसियस न्यूट्रल एटम, हेंस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी, मतलब डेल्टा एच ई जी इज जनरली एक्सोथर्मिक, जनरली मतलब डेल्टा एच ई जी निगेटिव। तो ये मोस्टली ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, बट नॉट ऑलवेज, क्लियर है। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी उल्टा हो जाए, मतलब रिवर्स भी हो जाए, कि इलेक्ट्रॉन उसको लेने का मन ही नहीं है, तुम दोगे और वो ले ही नहीं रहा है, तो उल्टा तुमको एनर्जी देना पड़ेगा कि तुम रख ले, तो उसको एनर्जी मतलब एक्स्ट्रा। जैसे मान लो गैसियस फॉर्म में तो बहुत हाई प्रेशर पर इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, मतलब नॉर्मल तरीका से वो इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा है, उसको एनर्जी देने का मतलब है कि उसको मतलब उसके पास ऑप्शन ही नहीं रहे। जैसे किसी को पैसे देने हैं तो अगर वो ले नहीं रहा है तो तुम क्या करोगे, 4-5 लोग जा करके पकड़ लोगे और उसके पॉकेट में रख दोगे, ठीक है, उसके पॉकेट में रख दोगे, और तब अब बाद में वो फेंक दिया वो अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल रखने की बात है। तो फिलहाल या मान लो खिलाना है किसी को, कोई नहीं खा रहा है, तो क्या करोगे, पकड़ के उसके मुंह में डाल दोगे। तो अब क्या करोगे, अब उसके खाना उसके मुंह में अगर गया, अब तुमने कुछ देर के बाद पकड़े रहोगे तो वो तो फिर अंदर जाएगा ही।
तो ये तुमने फोर्स लगाया उसको खिलाने के लिए, देखो खा हो रहा है, खा हो रहा है, लेकिन एनर्जी तुमको लगाना पड़ रहा है। समझ में आया बात, क्लियर है? चलो लिखो, लास्ट सेंटेंस क्या लिखा था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज जनरली एक्सोथर्मिक, ये था ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज जनरली एक्सोथर्मिक, सेकेंड एंड हायर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज ऑलवेज इंडोथर्मिक। तो देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जनरली है एक्सोथर्मिक, मतलब वो दोनों हो सकता है, लेकिन ये ऑलवेज, सेकेंड एंड हायर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज ऑलवेज इंडोथर्मिक, मतलब हमेशा होगा क्या, डेल्टा एच पॉजिटिव। तो अब सवाल है ऐसा क्यों, जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं किसी एटम को, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, वो ले भी सकता है नहीं भी ले सकता है। अगर वो खुद से ले लिया तो इसका मतलब लेने के बाद वो खुश हो जाएगा, उसका चेहरा पर एक्सप्रेशन दिखेगा तुमको, मतलब चेहरा फेस दिखेगा कैसा, ज्यादा दुख ज्यादा खुश दिखेगा, तो इसका मतलब वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, खाने के बाद, खाना खाने के बाद वो खुश है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर तुमने दिया और उसने ले लिया, खुद से ले लिया, इसका मतलब वो खुश है लेने के बाद, तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक है वो। लेकिन अगर तुमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन दिया और वो नहीं ले रहा है, तो तुमने उसको पकड़ के, उसको पकड़ के क्या किया, अगर खाना खिलाना है तो पकड़ के कर उसके मुंह में डाला, और फिर उसको, उसको नहीं तो बोला, धमकी दिया कि अगर नहीं खाओगे तो मार ही देंगे। कहने का मतलब तुम एनर्जी दे रहे हो, तुम एनर्जी एफर्ट लगा रहे हो, तुम तो तुम एनर्जी दे रहे हो तब जाकर के वो खा रहा है, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भी ले रहा है अपने मन से नहीं, तो वो क्या है, इंडोथर्मिक। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में दोनों बात है, अगर उसने खुद से ले लिया तो एक्सोथर्मिक, अगर तुम एफर्ट कर रहे हो उसको देने में तो होगा इंडोथर्मिक, तुम एनर्जी दे रहे हो ना। लेकिन सेकेंड एंड हायर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, अगर हम सेकेंड या और उसके बाद के इलेक्ट्रॉन अगर हम देंगे तो वो खुद से कभी नहीं लेगा, तुमको फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब एनर्जी तुमको लगाना पड़ेगा। तो तुम एनर्जी लगा रहे हो, मतलब एनर्जी दे रहे हो ना, इसका मतलब डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब वो इंडोथर्मिक है, वो खुद से नहीं ले रहा है। जैसे मान लो, जैसे तुम भूखे हो, ठीक है, तुम भूखे हो, बहुत ज्यादा भूखे हो, तो खाना रखा हुआ है कहीं पर, खाना रखा हुआ है, अनलिमिटेड फ्री है, तो तुम क्या करोगे, खाना खा लोगे, और वो तुम्हारा फेवरेट फूड है, तो खाना खाने के बाद तुम खुश हो जाओगे, चेहरा तुम्हारा दिखेगा एकदम अच्छा, तो चेहरा देख करके ही बता सकता है कि हाँ खाने खाने के बाद तुम खुश हो, ठीक है। तो इसका मतलब तुमने एनर्जी क्या किया, खाने के बाद रिलीज किया, तुम्हारा चेहरा का एक्सप्रेशन से पता चल रहा है ना, तो तुम्हारा चेहरा के एक्सप्रेशन से कोई बता सकता है कि ये खुश है खाने के बाद, मतलब एनर्जी रिलीज किया उसने, ठीक है, अब ये ज्यादा स्टेबल फील कर रहा है। एनर्जी रिलीज करने के बाद एनर्जी खुद का डिक्रीज होता है, और एनर्जी और स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब तुमने एनर्जी रिलीज किया, मतलब तुम अब ज्यादा स्टेबल हो, तुम्हारे पास लेस एनर्जी है, तो एनर्जी और स्टेबिलिटी के टर्म में भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये खाना जो है, तुमको भूख लगा हुआ था तो तुमने खाना खा लिया और तुम खुश हो गया, लेकिन अब तुमको बोलेगा कोई, या वहां पर जहां पर तुम फ्री में खाए हो वहां पर तुमको ये बोलेगा कि यहाँ पर कंडीशन जो था वो तो तुमने, कंडीशन जो वहां लिखा हुआ था वो तुमने पढ़ा ही नहीं, अगर तुमको पता नहीं है, तुमने खा लिया जल्दी जल्दी में, लेकिन बाद में तुमको पता चला, किसी ने बताया खाने के बाद कि यहाँ पर ये है कि कम से कम दो प्लेट खाना है, फ्री में तो मिल रहा है, ठीक है, लेकिन दो प्लेट खाना है, और तुम एक प्लेट खाने के बाद अब तुम्हारा पेट भर गया और उतना ही अमाउंट अब फिर से खाना है, अब तुम टेंशन में होगे कि नहीं, तुम्हारा जितना लिमिट है, जितना तुम खाते हो नॉर्मली, उतना तुम खा चुके हो, तो तुम उसके बाद खुश हो गए। लेकिन जब तुमने देखा ये कंडीशन कि अब दूसरा भी खाना पड़ेगा, तो तुम टेंशन में होगे। अब वहां पर ऐसा है कि दूसरा बिना खाए तुम वापस नहीं आ सकते, अब क्या करोगे, अब वो लोग तुमको, तुम्हारा पिटाई करेगा अगर तुम वापस आ गए, तो तुमको पकड़ के क्या करेगा, जबरन खिलाएगा वो, तुमको पकड़ करके वो खिला करके ही छोड़ेगा। तो अब तुम टेंशन में आओगे कि नहीं, अब तुम्हारे चेहरा पर ग्लो दिखेगा, अब तुम्हारा फेस देख करके समझ में आ जाएगा कि, समझ में आ जाएगा कि तुम कितना टेंशन में हो। इसका मतलब सेकेंड जो प्लेट था, मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना, मतलब सेकेंड प्लेट तुमको खिलाना, वो इजी है या डिफिकल्ट है ये बताओ, डिफिकल्ट है, वो नॉर्मली तुम खा नहीं सकते, वो तुमको अगर कोई धमकी देगा या वहां पर मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा तुमको खिलाने के लिए, बहुत ज्यादा वो टेंशन देगा, तुमको बांध देगा मान लो, मतलब जो भी है वो एफर्ट लगाएगा, वो एनर्जी लगाएगा, तो तुम फिर क्या करोगे, अब मजबूरी है, अब तुमको मान लो बोला कि हम मार ही देंगे, तो फिर जान बचाने के लिए क्या करेंगे, अब खाना ही पड़ेगा, पेट फट जाए वो अलग बात है, बाद में देखा जाएगा, या बाद में
ये यहां तक मान लो तुम खा लिया, वो खाने के चक्कर में यहां तक हो गया, तो बाद में तुम क्या करोगे, वोमिटिंग कर दोगे। कहने का मीनिंग ये है, अब तुम डबल खाओगे तो ऑब्वियसली वो उतना खाना तो तुम खा नहीं सकते ना, लेकिन फिर भी तुमको मजबूरी है, वहां पर वो लोग फोर्सफुली तुमको खिला रहा है, ठीक है। तो तुमने खा तो लिया लेकिन तुम खाने से खुश नहीं हो, टेंशन में हो। तो देखो इसका मतलब सेकेंड प्लेट खिलाना वो क्या है, एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक, सेकेंड प्लेट खिलाना इंडोथर्मिक। वो लोगों ने एनर्जी लगाया है उसका, उसने एनर्जी लगाया तब जाकर के तुम खाया। और थर्ड प्लेट अगर खिलाना हो तो तुम समझ ही सकते हो कितना ज्यादा, अब कितना ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा थर्ड प्लेट खिलाने के लिए। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ अगर उतना खिलाना हो तो कितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो तुम सोच ही सकते हो कि कितना हाई मैग्नीट्यूड होगा वो एनर्जी लगाना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा, जितना हम सोच रहे हैं उससे काफी ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी आगे आएंगे उसका मैग्नीट्यूड का इफेक्ट। तो ये यहां तक क्लियर है कि फर्स्ट में दोनों बात हो सकती है, फर्स्ट अगर प्लेट खा रहे हैं तो दो बात हो सकती है, या तो तुम खाओगे या नहीं खाओगे, भूख लगा है तो खाओगे, नहीं लगा है तो नहीं खाओगे, या नहीं भी भूख लगा है लेकिन मजबूरी है अगर वहां पर कि उधर से कोई क्रॉस कर रहा है, कहीं पर ऐसा है पार्टी है या जो भी फ्री में खाना मिल रहा है, उधर से कोई भी गया तो वहां पर खाना खाकर ही जाना है। तो तुम मान लो नॉर्मल है तुम्हारा, मतलब कंडीशन नॉर्मल, तुम भूखे भी नहीं हो, अगर लेकिन अगर ऐसा है तो तुम खा भी सकते हो, मतलब नॉर्मल जैसा हो, तो तुमको खाने से इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर कंडीशन है कि चलो ये खाना ही है तो तुम खा भी लोगे, लेकिन तुम्हारे चेहरा पर कोई खुशी नहीं है, तो वो कैसा है, वो खाने के बाद तुम्हारा चेहरा जो है, मतलब एनर्जी तुम रिलीज नहीं कर रहे हो, तुम्हारा चेहरा खुश नहीं है, लेकिन जो भूखा है और वहां पर ऐसा कंडीशन देखा कि इधर से क्रॉस कर रहे हैं तो खाना ही पड़ेगा, इधर से क्रॉस कर रहे हैं दिल्ली सब में, पंजाब टाइम में, पंजाब सब में हमेशा जो है ये लंगर चलते रहता है, ठीक है। तो वहां पर गुरुद्वारा के आसपास, तो वहां पर क्या है कि उधर से लोग क्रॉस कर रहे हैं कभी कभी, और उसको पता चला अरे खाना है यहाँ पर, खाना मिल रहा है और भूखा भी है वो, तो वहां पर जाकर के सीधा खा लेता है। लेकिन वहां पर ये कंडीशन नहीं है कि उधर से कोई क्रॉस किया तो खाकर ही जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मान लो ऐसा अगर कंडीशन लगा दिया तो जो लोग भूखे हैं वो तो खुश हो जाएंगे, लेकिन जो नहीं है, जो घर से अभी खा करके एक दो घंटा पहले चले हैं, वो तो टेंशन में आ जाएंगे, लेकिन मजबूरी है चलो खाना ही पड़ेगा, क्लियर। तो देखो फर्स्ट प्लेट खाने में दोनों बात हो सकती है, लेकिन सेकेंड प्लेट खाने अगर खिलाओगे तो हमेशा सेकेंड प्लेट और थर्ड प्लेट फोर्थ प्लेट अगर ये किसी को खिला रहे हैं तो नॉर्मल तरीका से कोई नहीं खाएगा, उसको फोर्स दे करके खिलाना पड़ेगा, मतलब एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, डेल्टा एच क्या होगा, इंडोथर्मिक, मतलब पॉजिटिव, क्लियर है। तो एक्स माइनस, इसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है माइनस चार्ज, और ये एक और इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहा है, मतलब ये कौन सा, सेकेंड प्लेट खा रहा है या फर्स्ट प्लेट, सेकेंड प्लेट ना, एक ऑलरेडी खा चुका है, एक माइनस ऑलरेडी है, तो सेकेंड अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये नॉर्मली लेगा क्या, अपने आप लेगा क्या, सेकेंड प्लेट अपने खाएगा क्या, तुमको एनर्जी देना पड़ेगा। तो एक्स पर चार्ज क्या आ गया, टू माइनस, तो टू माइनस चार्ज आ गया, तो डेल्टा एच क्या होगा यहाँ पर, पॉजिटिव, ठीक है, तुमको एनर्जी देना पड़ा, तो ये होगा इंडोथर्मिक। अब है ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, तो पीटी में अब ट्रेंड्स देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम क्या है इफेक्ट। तो ये देखो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर हम दे रहे हैं, इसको अभी न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, ये ट्रेंड्स जो देख रहे हैं हम वो न्यूट्रल एटम के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर हम इसके सामने रख दिए, जैसे इसके सामने खाना रख दिया, प्लेट रख दिया, तो वो क्या करेगा, उसका मन है तो लेने का तो लेगा, नहीं मन है तो नहीं लेगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अगर खुद से ले लिया इसका मतलब वो भूखा था, अगर प्लेट रख दिया तुमने और खाना खा लिया इसका मतलब वो भूखा था, तो अगर खुद से खा रहा है इसका मतलब खाने के बाद वो खुश होगा कि नहीं, खाने के बाद उसके चेहरा पर एक्सप्रेशन दिखेगा, वो शाइनिंग दिखेगा चेहरा का, मतलब खुशी दिखेगा तुमको, तो इसका मतलब एनर्जी वो रिलीज कर रहा है खाने के बाद। तो ये जो एनर्जी रिलीज करेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, डेल्टा एच ई जी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण से जो एनर्जी रिलीज किया दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब इसका ट्रेंड्स लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, दिमाग लगाओ, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, साइज कम हो रहा है, तो साइज कम हो रहा है तो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है वो सेंटर के पास आ रहा है या दूर जा रहा है, अगर साइज छोटा हो रहा है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो सेंटर के पास आ रहा है। तो तुम अगर इलेक्ट्रॉन दोगे तो किसको दोगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को या अंदर को, अंदर वाले को तो दे नहीं सकते ना, बाहर से देंगे ना। तो जब साइज छोटा हो रहा है तो सेंटर का प्रोटॉन पास आ रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी बढ़ रहा है या घट रहा है, दिमाग लगाओ,
अगर साइज छोटा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन तुम दोगे तो सेंटर उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या सेंटर का प्रोटॉन, या कम? ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी, अगर साइज छोटा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी बढ़ रहा है, मतलब खाने का टेंडेंसी बढ़ रहा है। तो खाने के बाद चेहरा का एक्सप्रेशन, मतलब खुशी ज्यादा होगा, हैप्पीनेस ज्यादा दिखेगा। तो डेल्टा एच निगेटिव तो होगा ही, लेकिन मैग्नीट्यूड ज्यादा या कम? ज्यादा होगा। तो इधर से अगर इधर जाएंगे तो साइज छोटा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब खाना खाने का टेंडेंसी बढ़ रहा है, मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो इधर से इधर जाएंगे तो देखो साइज घट रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये बढ़ेगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, मतलब ये निगेटिव में होगा लेकिन बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब ये इनर्ट गैस इस ये जो ट्रेंड फॉलो नहीं करता है, तो ऐसा क्यों? दिमाग लगाओ, ये ऑलरेडी स्टेबल है, ये फुलफिल्ड है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना भी डिफिकल्ट है और इसको इलेक्ट्रॉन देना भी डिफिकल्ट है, मतलब वो इनर्ट है। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं ना जिसको कि किसी से कोई मतलब नहीं है, उसको तुम फ्री में कुछ दोगे तो भी नहीं लेगा, और उससे कुछ मांगोगे तो भी नहीं देगा वो। तो ये उसी टाइप का है, मतलब उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए तो उसका नाम है इनर्ट। ये इनर्ट गैस है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, तो ये स्टेबल ऑलरेडी है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा क्या? ये ऑलरेडी स्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा भी नहीं और इलेक्ट्रॉन देगा भी नहीं। तो हम लोग वहां भी देखे थे आयनाइज एनर्जी में, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही टफ काम था, तो इसको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ा था, और यहां पर तुम इसको इलेक्ट्रॉन दोगे वो लेगा ही नहीं, तो ये ट्रेंड फॉलो नहीं करेगा। तो अब दिमाग लगाओ, तो अगर पीरियोडिक टेबल में ये लेफ्ट टू राइट अगर इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में इंक्रीज हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? मान लो हम सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा किसका? नियॉन का, या फ्लोरीन का, या ऑक्सीजन का? किसका? फ्लोरीन का होगा। किसी भी पीरियड में जाओगे तो ये इनर्ट से एक पहले, मतलब हैलोजन फैमिली होगा। इन एनी पीरियड हैलोजन हैव मोस्ट निगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। ये मोस्ट निगेटिव का क्या मतलब है? रिलीज जो कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, मतलब इधर से इधर जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा हैलोजन खुश होगा इलेक्ट्रॉन लेने के बाद। क्यों खुश होगा? उसको देखो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब एग्जाम में एक ही मार्क के लिए वो फेल हो रहा है, तो एक मार्क मिलने के बाद वो सीधा डांस करने लगेगा। मतलब कहने का मीनिंग है कि एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही वो पागल हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेने के बाद बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, क्लियर है? चलो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम क्या होगा? जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है? साइज बढ़ता है तो बाहर का ऑर्बिट दूर जाता है या पास आता है? तो दूर जाता है, तो सेंटर के प्रोटॉन से डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी कम हो रहा है, ठीक है, तो ये डिक्रीज होगा, क्लियर है? अब देखो ये सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब वन बाय वन, पहले एक प्लेट खिलाए, फिर दूसरा प्लेट, फिर तीसरा प्लेट, अभी दो ही प्लेट खिलाएंगे। जैसे मान लो ए है, ये गैसियस एटम, अब इसको हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब ये अगर भूखा है तो खुद से लेगा, और नहीं है भूखा तो इसको पकड़ के खिलाना पड़ेगा, तो ये बन गया क्या? ए माइनस। तो यहां पर डेल्टा एच क्या होगा? निगेटिव। लेकिन ये नॉर्मल केस में हम ले रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन अगर दे रहे हैं तो जनरली क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है अगर, तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है नॉन मेटल साइड में, मेटल साइड में इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा वो। लेकिन अभी हम जनरल बात कर रहे हैं नॉन मेटल साइड में, जो इलेक्ट्रॉन लेने का जिसका टेंडेंसी है। तो ये गैसियस फॉर्म में है कोई एलिमेंट, उसको हमने अगर इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या किया, उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो डेल्टा एच क्या होगा? निगेटिव। लेकिन ये ऑलवेज नहीं होगा, ये जनरली, मतलब जिसको नहीं लेने का मन है उसको तुम दोगे भी तो वो नहीं लेगा, ये नॉन मेटल ले लेगा, लेकिन अगर तुम मेटल को दोगे तो लेगा क्या? तो अभी हम नॉर्मल केस ले रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल केस ले रहे हैं। तो मान लो इलेक्ट्रॉन ले लिया तो डेल्टा एच क्या होगा? निगेटिव। निगेटिव होगा अगर उसने खुद लिया है, वो खुद से भूखा है, तो खाना दोगे एक प्लेट तो खा लेगा और खुश हो जाएगा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो एनर्जी रिलीज करेगा। अभी हम जनरली लिखे हैं क्योंकि हमेशा ही अप्लाई नहीं होता, बट मोस्टली अप्लाई होता। लेकिन अगर तुम उसको एक प्लेट खाना खिला दिया, अब उसका पेट भर गया, ठीक है, ऑलमोस्ट भर गया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर तुम दोगे तो वो लेगा क्या? मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा वो,
तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा तो नॉर्मल कंडीशन में वो लेगा नहीं, तो उसको तुमको फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब डॉग अगर भूखा है तो एक प्लेट तो खुद से खा लिया, दूसरा प्लेट अगर तुम खिला रहे हो तो दूसरा प्लेट खिला रहे हो तो वो खाएगा क्या? अब उसको पकड़ के क्या करोगे, उल्टा लटका दो, डॉग को उल्टा लटका दो, उसका पैर बांध दो और उल्टा लटका दो और फिर उसका ये फेस पकड़ के उसके मुंह में डालो खाना, तो ही खा सकता है ना, फिर भी काटने के लिए दौड़ेगा। ठीक है, अब कहने का मीनिंग ये है कि अब तुमको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अभी तुमको हम पूछेंगे मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा। देखो ये है, डॉग को फर्स्ट प्लेट खिलाए तो डॉग क्या किया, भूखा था सुबह से, फर्स्ट प्लेट अगर हमने दे दिया तो जो भी उसका फेवरेट फूड है वो खा करके वो डांस करने लगा, मतलब खुश हो गया, इधर उधर से उधर, इधर से उधर कर रहा है। पहले पहले बैठा हुआ था, टेंशन में था, वो भूखा था, अब खाने के बाद वो उसका चेहरा का एक्सप्रेशन चेंज हो गया, उसके चेहरा पर एक्सप्रेशन चेंज हो गया, वो खुश हो गया। ठीक है, तो खुश हो गया तो एनर्जी रिलीज किया, तो मान लो ये एनर्जी रिलीज किया, मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड कुछ, मान लो ये 5 मान लेते हैं, चलो ठीक है, -5 मतलब 5 जूल एनर्जी रिलीज किया मान लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद उसी डॉग को तुम दूसरा प्लेट खिला रहे हो, खुद से खाएगा क्या? तो अब तुमको पकड़ कर खिलाना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, पकड़ कर तुम खिला रहे हो तो वो आसानी से तो खाएगा नहीं, तो उसके लिए तुमको बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। तो ये डेल्टा एच पॉजिटिव होगा ऑलवेज, सेकेंड प्लेट कभी भी वो अपने मन से नहीं खाएगा, हमेशा तुमको ही एनर्जी देना पड़ेगा, तुमको पकड़ कर ही खिलाना पड़ेगा, अपने से खाएगा नहीं। अब सवाल ये है, तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, ये वैल्यू 5 से ज्यादा होगा या कम? प्रैक्टिकली सोचो, तुमको खिलाने में जितना यहां से ये खुश हो गया ना, चेहरा ये डॉग का फेस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन खिलाने के बाद जितना खुश है, अब तुम सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसको पकड़ कर उल्टा लटका दो और उसके मुंह में पकड़ कर सेकेंड मतलब प्लेट पूरा का पूरा सेकेंड प्लेट अगर खिला दो, उसके बाद तुम उसको सीधा मतलब अभी तो लटका हुआ है ना, उसके इमीडिएट बाद उसको फिर क्या करो, इमीडिएटली फिर उसको सीधा रखो, अब देखो तो तुम्हारा वो क्या करता है हाल, उसके बाद उसका चेहरा का एक्सप्रेशन देखो तो काट ही लेगा तुमको, और वो भी नॉर्मल नहीं, बहुत ही डेंजर है। कहने का मीनिंग ये है कि वो अब कितना टेंशन में होगा, पहले जितना खुशी था, पहले जितना खुश था वो पहला इलेक्ट्रॉन खाने के बाद, तो पहला इलेक्ट्रॉन खाने के बाद 5 जूल था वो खुश मान लो, तो दूसरा प्लेट खिलाने के बाद वो टेंशन में क्या 5 जूल होगा क्या? टेंशन में वो बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। अब पहले जो भूखा था ना वो उससे भी ज्यादा टेंशन होगा अभी उसका चेहरा का एक्सप्रेशन, तो इसका मतलब अभी तुमको काटने के लिए दौड़ेगा, पहले भूखा था तब तो काट नहीं रहा था ना, नॉर्मल जैसा बैठा हुआ था, लेकिन अभी तुमको डर होगा कि अब उसको अभी लटका हुआ है उठका ये उल्टा लटका हुआ है तो उसको सीधा करें या नहीं करें, क्योंकि अभी तुमको काटने के लिए दौड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5 से बहुत ज्यादा, तो मान लो मान लेते हैं कितना 20 मान लेते हैं, +20, तो ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? अरे ये इस दोनों को ऐड कर रहे हैं अभी हम, ये और ये दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो देखो ये क्या होगा, ये ए माइनस यहां से कैंसिल और ये कैंसिल होगा, तो ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या होगा, ए ये दोनों तो कैंसिल हो गए ना, +2 इलेक्ट्रॉन। फाइनली क्या हुआ, फाइनली तुमने एक डॉग को 2 प्लेट खिलाया, फाइनली यही हुआ ना, एक उसने खुद से खाया दूसरा तुमने खिलाया, तो इस पर चार्ज 2 माइनस, तो फाइनली डेल्टा एच क्या होगा, ये क्वेश्चन है। मतलब ओवरऑल जो डॉग जब स्टार्टिंग में था बिफोर ईटिंग फर्स्ट प्लेट, तो जब उसने पहला प्लेट खाया उससे पहले थोड़ा सा टेंशन में था, और सेकेंड प्लेट खाने के बाद भी वो टेंशन में है कि नहीं? डॉग का एक्सप्रेशन, डॉग के फेस का एक्सप्रेशन, जब वो भूखा था एक भी प्लेट नहीं खाया था तब भी उसका फेस का एक्सप्रेशन कैसा था, टेंशन में था, और अभी 2 प्लेट खाने के बाद भी टेंशन में है, ज्यादा टेंशन में कब है, जब मतलब ज्यादा उसका फेस का एक्सप्रेशन टेंशन में कब है, 2 प्लेट खाने के बाद, इसका मतलब ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव है बताओ, पॉजिटिव होगा, ये -5 और ये +20 मान लो, तो ये कितना होगा, +15, अभी हम जस्ट समझाने के लिए एग्जाम्पल लिए, तो ये पॉजिटिव आएगा, क्लियर है, समझ में आ गया, चलो लिखो यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन लिखो, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन विच ऑफ द प्रोसेस, ये 6 ऑप्शन है तुम्हारे पास, मोर देन 1 ऑप्शन है, तो इसमें तुमको फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है प्रोसेस, मतलब जैसे Cl गैस से Cl- बन रहा है, तो
तो तुमको इसमें फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें एनर्जी गेन होगा, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ देखो ये Cl से Cl- माइनस बनना मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, तो इसका इसका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो भी बोलो। और ये पोटेशियम है सॉलिड फॉर्म में और इससे बन रहा है गैस, तो सॉलिड से अगर डायरेक्टली गैस बनता है तो उसके लिए हम लोग कौन सा नेम यूज करते हैं, एनर्जी टर्म सब्लिमेशन एनर्जी। और ये पोटेशियम ये गैस में ऑलरेडी है और ये इस पर चार्ज आ गया प्लस, तो इसके लिए कौन सा, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अभी ये तुम्हारे पास 6 ऑप्शन है, आधा आंसर तो ऑलरेडी हमने बता दिया इनडायरेक्टली, तो तुमको इसमें से फाइंड करना है कि किसमें से एनर्जी किसमें एब्जॉर्ब होगा, मतलब एनर्जी कौन सा गेन करेगा। चलो जल्दी से ट्राई करो। आ गया आंसर, क्या होगा आंसर, ए और डी छोड़ के बाकी सब, यही ना, मतलब बी सी ई एफ। ए में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इस पर आएगा माइनस चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एनर्जी रिलीज करेगा, ये गेन नहीं करेगा। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये खुद से, मतलब इसको तुम इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये गेन कर लेगा और एनर्जी रिलीज करेगा, ये एनर्जी गेन नहीं करेगा। इसमें इसमें एनर्जी हमको देना पड़ेगा, सॉलिड से गैस के फॉर्म में लाने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये आंसर बी तो होगा। सी में क्या है, सी आयनाइजेशन एनर्जी, ये गैस को मतलब ये एटम है गैसेस फॉर्म में, तो इस पर प्लस चार्ज आया, मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करना है तो ये तो एनर्जी देना ही पड़ेगा, तो ये जो भी लगे, कम लगे या ज्यादा लगे, लेकिन एनर्जी थोड़ा सा भी देना ही पड़ेगा। तो अपने को पूछ रहा है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये एनर्जी गेन करेगा, तो ये भी होगा आंसर। इसमें ऑक्सीजन पर एक माइनस आया है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है ना, तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहा है, तो अगर तुम उसको एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो खुद से गेन कर लेगा, उसको इलेक्ट्रॉन वैसे भी चाहिए, ये ऑक्सीजन फुलफिल नहीं है ना, मतलब ये इनर्ट गैस जैसा नहीं है, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अगर तुम इसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये खुद से गेन कर लेगा। ठीक है, तो ये खुद से गेन करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा एच क्या होगा, निगेटिव होगा, मतलब ये एनर्जी रिलीज करेगा, ये खुद से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यहाँ पर क्या है, दो इलेक्ट्रॉन, तो देखो डॉग को यहाँ पर दो दो प्लेट खाना खिला रहे हो, तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ लाना, इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक क्या था, यहाँ से यहाँ लाना, इंडोथर्मिक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ लाना ओवरऑल इंडोथर्मिक था, मतलब तुम एनर्जी दे रहे हो, तो ये इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो ये आंसर ये होगा। इसमें बताओ, सल्फर गैस के फॉर्म में है और दो इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो एक तो दो इलेक्ट्रॉन अगर दे रहे हो, दो प्लेट खाना खिलाओगे तो हमेशा एनर्जी, मतलब ओवरऑल एनर्जी देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है फैक्टर्स इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो कौन कौन सा फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी को इफेक्ट करता है। फर्स्ट है साइज ऑफ द एटम, अब साइज अगर मान लो डिक्रीज हो रहा है, साइज अगर डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब अगर ज़्यादा भूख लगा है तो खाने का टेंडेंसी बढ़ेगा, तो खाने के सेंस में अगर सोचे तो भी वो बढ़ेगा, या खाने के बाद चेहरा पर जो एक्सप्रेशन आ रहा है, मतलब चेहरा पर जो हैप्पीनेस है, ग्लो है, वो ज़्यादा होगा, तो दोनों टर्म में तुम सोच सकते हो, मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, अगर ज़्यादा भूख लगा है तो खाने का टेंडेंसी बढ़ेगा, और खाने के बाद खुश होने का टेंडेंसी भी, खाने के बाद ज़्यादा खुश हो जाएगा अगर ज़्यादा भूख लगा है तो अगर साइज छोटा है, साइज छोटा है तो सेंटर का प्रोटॉन पास आ रहा है ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट के, तो साइज अगर छोटा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी बढ़ रहा है, तो साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखो या इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी लिखो, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही था ना, साइन सिर्फ अलग था ना। तो जैसे इसमें इसमें बताओ, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा, इसमें इसका साइज सबसे छोटा है तो इसको इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, प्रोटॉन तो सेम है ना सब में, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी इसका है, मतलब सबसे ज़्यादा भूखा है ना ये, तो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, साइज भी छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप बताओ, इसमें लेने का टेंडेंसी ये इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इन्वर्सली, थोड़ा दिमाग लगाओ तो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा इसका मतलब न्यूक्लियस का प्रोटॉन जो है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उसका इफेक्ट बढ़ रहा है,
तो उसका इफेक्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब सेंटर का प्रोटॉन मतलब ज्यादा हो रहा है, तो उसका इफेक्ट बाहर आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर ज्यादा होना, इसका मतलब बाहर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचने का टेंडेंसी है कि नहीं। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब न्यूक्लियस का चार्ज अगर ज्यादा है, उसका प्रोटॉन का इफेक्ट अगर बाहर ज्यादा है, मतलब तुम्हारे पेट के अंदर अगर भूख ज्यादा है तो बाहर से खाना खाने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, सेंटर के प्रोटॉन में जो ये न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उसका इफेक्ट, मतलब न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। ये ज्यादा है इसका मतलब साइज छोटा है ना, तो साइज अगर छोटा है तो बाहर से इलेक्ट्रॉन जल्दी लेगा ना, तो डायरेक्टली रिलेटेड होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? जैसे मान लो ये क्वेश्चन है ए और बी, चलो इसका आंसर दो पहले। इसमें क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये चार्ज आ रहा है प्लस, इसका मतलब वो छोटा हो रहा है, प्रोटॉन तो उतना ही है, तो प्रोटॉन का बाहर के ऑर्बिट पर इफेक्ट अब ज्यादा हो रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी बढ़ रहा है, डायरेक्टली है ना रिलेटेड। तो इसमें बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे कम होगा एम एन का और सबसे ज्यादा होगा एम एन सेवन प्लस का, सबसे कम होगा इसका। ठीक है, साइज के टर्म में भी हम बात कर सकते हैं या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के टर्म में भी हम ये इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसका बताओ, इसमें सबसे ज्यादा किसका, यहाँ पर अपोजिट होगा तो इसका इनवर्स होगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऐड हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन अब डोमिनेट है, सेंटर का प्रोटॉन जो है वो तो फिक्स है ना, सेंटर का प्रोटॉन तो फिक्स है, तो उसका इफेक्ट बाहर अब कम हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डाल दिए हो। जैसे मान लो तुम ज्यादा भूखे हो तो तुम सोच रहा होगा, कोई सोच रहा होगा सब में प्रोटॉन तो सेम ही है, न्यूक्लियस चार्ज तो सेम है, लेकिन न्यूक्लियस चार्ज नहीं है, ये है न्यूक्लियस चार्ज का नेट इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे मान लो तुम्हारे पेट में ज्यादा भूख लगा है, ठीक है, लेकिन तुमने ऑलरेडी अगर खा लिया, ये न्यूट्रल है ना, और इसको ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो जब तुम भूखे हो तब नॉर्मल कंडीशन में, और जब तुमने थोड़ा सा ऑलरेडी खा लिया तब, जब तुम थोड़ा सा ऑलरेडी खा लोगे तो अब खाने का टेंडेंसी कम हो जाएगा, तो ये नॉर्मल जैसा है, जितना प्रोटॉन है अभी उतना यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब भूख उतना ही है, लेकिन ये खाना खा लेने के बाद अब ये थोड़ा सा खा लिया, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं खाया, ये थोड़ा खा लिया, ये थोड़ा और, ये थोड़ा और, तो अभी इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी, अभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर है ना, तो सबसे ज्यादा किसका, एन का, ठीक है, और सबसे कम इसका, क्योंकि ऑलरेडी तीन इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है, तो अब तो ये नॉर्मल कंडीशन से लेगा भी नहीं, उल्टा एनर्जी देना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, अंदर के प्रोटॉन का ये बाहर इफेक्ट नहीं जाने दे रहा है, अंदर का प्रोटॉन जो है उसका इफेक्ट बाहर नहीं जाने दे रहा है। जैसे मान लो तुम भूखे हो लेकिन चाय पी लिया, तो चाय तो लिक्विड है ना, चाय तो लिक्विड है, लेकिन चाय का साइड इफेक्ट क्या होता है, चाय पीने के बाद ऐसा लगता है कि हम थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा कि अब खाना खा लिए, मतलब भूख को वो खत्म कर देता है, ऐसा टेंडेंसी होता है कि भूख अब नहीं लगा है, जबकि वो लिक्विड फॉर्म में गया है, ठीक है, भूख तुम्हारा खत्म नहीं होगा, लेकिन थोड़ा देर के लिए ऐसा लगेगा कि अब खाना खाने का टेंडेंसी कम हो गया। तो शील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब है, शील्ड कर देना, मतलब प्रोटॉन का जो इफेक्ट है उसको शील्ड कर दिया है, बाहर नहीं जाने दे रहा है, तो बाहर अगर नहीं जाने दे रहा है इफेक्ट, तो जैसे मान लो यहाँ खाना बन रहा है और हमने पैक कर दिया चारों साइड से सब कुछ, मतलब रूम पैक है, विंडो भी क्लोज है, तो बाहर स्मेल जाने का टेंडेंसी कम हो जाएगा। तो बाहर से अगर डॉग क्रॉस कर रहा है और यहाँ पर डॉग का फेवरेट फूड बन रहा है, डॉग जो भी खाते हैं, तो वो तो डॉग तो स्मेल से पहचान जाता है, तो अगर ये पैक कर दिया अच्छे से तो बाहर नहीं जा रहा है स्मेल, तो डॉग को अट्रैक्ट होने का पॉसिबिलिटी कम हो जाएगा। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो बाहर स्मेल नहीं जा रहा है, मतलब प्रोटॉन का इफेक्ट बाहर कम जाएगा, तो बाहर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी कम हो जाएगा, तो इनवर्सली रिलेटेड होगा। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे अभी हम ट्रेंड देखे थे लेफ्ट टू राइट, क्या हो रहा था, बढ़ रहा था इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन इनर्ट गैस फॉलो नहीं कर रहा था वो, क्यों ऐसा, क्योंकि इनर्ट गैस ऑलरेडी स्टेबल है, इनर्ट गैस के पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, फुल फील्ड है ना, तो हाफ फील्ड या फुल फील्ड, हाफ एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर
मोर स्टेबल, यहाँ पर ऑर्बिटल्स होगा वो हम बाद में लिख देंगे, ठीक है, आर मोर स्टेबल, दे हैव लेस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल्स जो है उसका, उसके पास क्या है, वो ऑलरेडी स्टेबल है तो उसको इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी कम है, देने का भी कम है, बट अभी हम इलेक्ट्रॉन गेन करने के सेंस में ले रहे हैं, मतलब अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन लेने का, गेनिंग टेंडेंसी, तो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी उसका नहीं है। तो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, जीरो। नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो है, क्यों, ड्यू टू फुल फील्ड कन्फिगरेशन, NP6 होगा ना लास्ट में। और नाइट्रोजन फैमिली का क्या है, नाइट्रोजन फैमिली का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही कम है, क्यों ऐसा, मतलब जितना हम सोच रहे हैं उससे कम है, क्यों ऐसा, क्योंकि ड्यू टू हाफ फील्ड NP3 कन्फिगरेशन। चलो लिखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब तुमको सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट्स है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पर तो हमने आंसर ही ऑलरेडी लिख दिया है, ये नॉर्मली जैसा सोचते हैं वैसा आंसर आता नहीं है, जैसा हम सोचते हैं लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होना चाहिए क्योंकि साइज घट रहा है, सिर्फ इनर्ट गैस था ना एक्सेप्शन, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी घट रहा है लेकिन लेने का, गेन करने का टेंडेंसी बढ़ रहा है, तो इधर से इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एनर्जी रिलीज करने का टेंडेंसी बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रहा है ना लेफ्ट राइट जाएंगे तो, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और साइज घट रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बढ़ेगा, सेकेंड पीरियड में फ्लोरीन तक बढ़ेगा और उसके बाद इनर्ट गैस में सडनली कम हो जाएगा। तो देखो इनर्ट गैस जो है नियॉन सेकेंड पीरियड में वो वैसे भी लिस्ट है तो वो तो सबसे कम होना चाहिए क्योंकि वो इनर्ट है, वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाह रहा है, तो ये सबसे कम है। कितने एलिमेंट्स है सेकेंड पीरियड में, कितने एलिमेंट्स है, आठ ना, तो ये वैसे भी सबसे कम है, इसका नंबर आठ है, मतलब सबसे कम है। और सबसे टॉप पर कौन होगा, तो इधर से इधर जाएंगे तो नियॉन से जस्ट पहले, इधर इंक्रीज कर रहा है ना, तो इंक्रीज कर रहा है लिथियम से लेकर के, लिथियम से फ्लोरीन तक इंक्रीज करेगा, नियॉन का सडनली डिक्रीज हो जाएगा, तो फ्लोरीन टॉप पर आएगा, तो वो आ भी रहा है, फ्लोरीन, फ्लोरीन का नंबर वन ही होगा, मतलब सबसे ज्यादा फ्लोरीन होगा, ठीक है, तो ये आएगा रैंक वन। यहाँ पर क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर ना, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, क्लियर। अब उसके बाद हम यहां से अगर देखें तो फ्लोरीन के जस्ट बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, ऐसा मतलब अगर हम नॉर्मली सोचे तो ऐसा लगता है कि फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। अब देखो फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन तो आएगा, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन आएगा, मतलब नंबर टू पर ऑक्सीजन ही होगा, उसके बाद नाइट्रोजन नंबर थ्री पर होना चाहिए, वो नहीं होता, क्यों, थोड़ा दिमाग लगाओ, नाइट्रोजन में ऐसा क्या है, हाफ फील्ड है, नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना भी मुश्किल है और इलेक्ट्रॉन गेन करना भी उसके लिए मुश्किल है, वो हाफ फील्ड लूज नहीं करना चाहता, तो वो थोड़ा स्टेबल है जस्ट लाइक नियॉन, लेकिन इतना नहीं है कि नियॉन जैसा, नियॉन हाईली स्टेबल है। तो ये नाइट्रोजन क्या होता है, जितना हम सोच रहे हैं उससे कम है इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी। तो देखो इसका नंबर कहां पहुंच गया, सिक्स पर, इसका नंबर हो गया सिक्स। अब उसके बाद मतलब ये तो नीचे चला गया, तो फिर कार्बन जैसा ट्रेंड जैसा फॉलो कर रहा है नॉर्मल वैसा ही होगा, कार्बन हाफ फील्ड भी नहीं है, फुल फील्ड भी नहीं है, तो इधर आएंगे तो डिक्रीज होगा, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, कार्बन का नंबर थ्री हुआ। उसके बाद अब देखो फोर नंबर पर तुम सोचोगे बोरॉन, तो फोर नंबर पर देखो, फोर नंबर पर आता है लिथियम, लिथियम क्यों, तुम सोचोगे बोरॉन तो ऑलरेडी, बोरॉन के पास कोई हाफ फील्ड तो नहीं है, है क्या, हाफ फील्ड नहीं है, लेकिन लिथियम का फिर इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी बोरॉन से थोड़ा सा ज्यादा, क्यों, लिथियम के पास लास्ट इलेक्ट्रॉन का बताओ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 ना, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये कैसा बन जाएगा, 2s2 बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन किया तो 2s2 बन जाएगा, मतलब स्टेबल जैसा, तो ये इसका टेंडेंसी कंपेयर टू बोरॉन थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने का, तो लिथियम थोड़ा सा ज्यादा है बोरॉन से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लियर। तो लिथियम देखो पहले आता है बोरॉन से, मतलब लिथियम आएगा नंबर फोर, उसके बाद बोरॉन फाइव, अब कौन सा बच गया, अब बच गया बेरिलियम और नाइट्रोजन, ये तो सबसे कम मतलब सबसे नीचे आएगा, तो ये लास्ट में आएगा, ठीक है, नियॉन।
बेरिलियम का टेंडेंसी, बेरिलियम मेटल है ना, बेरिलियम मेटल है और ये नॉन मेटल है नाइट्रोजन, तो ये भी हाफ फिल्ड और ये फुल फिल्ड, तो इसके कंपेयर में इसका थोड़ा सा ज्यादा है, बेरिलियम का थोड़ा कम है क्योंकि ये मेटल है, मतलब ये क्या है अल्कलाइन अर्थ मेटल ना, तो इसका थोड़ा सा कम है इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी, मतलब इससे इसके कंपेयर में, ये तो नॉन मेटल है ना, तो बेरिलियम इससे इससे कम होगा, ठीक है। तो बेरिलियम का ऑर्डर देखो 7 है और नाइट्रोजन का 6 है, क्लियर। और सबसे लास्ट में 8 नंबर पर आएगा नियॉन, इनर्ट गैस। तो जैसा हम सोच रहे वैसा नहीं है, लेकिन एग्जाम में तुमको इसमें से मान लो कोई 4 ऑप्शन दिया, तो थोड़ा सा लॉजिक लगा करके तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, हाफ फील्ड फुल फील्ड ऐसा, ठीक है। अब स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो देखो ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, मतलब एक प्लेट खाना खाने का, और इसमें देखो सब पर माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज का मतलब सब ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, मतलब एक प्लेट खाना खा लिया है। तो जैसा ये ऑर्डर आएगा वैसा ही ये भी रहेगा, ये ऑर्डर जैसा है वैसा ही रहेगा ना। एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? फ्लोरीन, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब गेन करने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा था, तो सबसे ज्यादा भूखा अगर यही है तो ये खाना खाने के बाद सबसे ज्यादा खुश भी यही होगा, तो ऑर्डर यही रहेगा ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में तुमको पूछ सकता है, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा तो ऐसा, और अगर ऐसा पूछा माइनस चार्ज ऑलरेडी रख दिया मतलब ये सबको खाना खिला दिया और पूछा कि कौन ज्यादा खुश है, मतलब कौन ज्यादा स्टेबल है, तो भी ऑर्डर ऐसा ही आएगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड है, ऐसा लिखा हुआ नहीं है, तुमको थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है इसमें। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी फ्रॉम, अब देखो ये पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो वहां पर तो चैप्टर का नाम नहीं लिखा रहेगा ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज कर जाता है कि ये क्वेश्चन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का है या किसी और चैप्टर का है। तो इसमें देखो क्या पूछा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी फ्रॉम, तो इसमें दोनों में से इजी कहां से है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना? बी माइनस से, क्योंकि बेरिलियम लेस स्टेबल है माइनस चार्ज, बेरिलियम पहले से क्या था 1s2 था, लेकिन बेरिलियम 2s2 ये था कैसा फुल फील्ड, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन लिया बेरिलियम माइनस तो ये हो गया क्या 2s2 2p1, लिथियम माइनस लेगा तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2s2, तो ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा, ये थोड़ा कम स्टेबल है, यहां से भी दिख रहा है ये बेरिलियम लेस स्टेबल है कंपेयर टू ये लिथियम माइनस, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अगर ये खुश नहीं है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना आसान है, क्योंकि 2s2 2p1 एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2s2 बचेगा, तो 2s2 बचेगा मतलब फुल फील्ड बचेगा, तो ये बेरिलियम माइनस थोड़ा ज्यादा बेटर फील करेगा कंपेयर टू लिथियम माइनस, तो आंसर इज बी, ठीक है। अब है एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब देखो इसमें एक्सेप्शन क्या है, टॉप टू बॉटम क्या होता था, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी कम हो रहा है, तो इसका मतलब अगर तुम सेकेंड पीरियड की बात करो और फिर थर्ड पीरियड की बात करो, थर्ड पीरियड में जो भी एलिमेंट्स है उसका साइज सेकेंड पीरियड से ज्यादा होगा, तो इसका मतलब सेकेंड पीरियड के नीचे है ना ये थर्ड पीरियड, तो उसका साइज बड़ा है तो उसका इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी कम होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है उल्टा। देख लो ये पीरियड थर्ड जो है ये पीरियड टू से ज्यादा है, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स क्या होगा, ये सेकेंड पीरियड की बात करें अगर हम और थर्ड पीरियड की बात करें तो क्या होगा, इसका टेंडेंसी ये मतलब इसके एलिमेंट्स जो है पीरियड टू में और पीरियड थ्री की अगर बात करें तो क्या होगा, पीरियड थ्री से कम है पीरियड टू का, ठीक है। तो इसमें मेनली कहां से आता है, ये बोरॉन फैमिली से मेनली स्टार्ट होता है, ठीक है, बोरॉन फैमिली से, क्योंकि ये गेनिंग टेंडेंसी मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर यहीं से स्टार्ट होगा ना, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर यहां से थोड़ा सा स्टार्ट होता है, इधर तो मेटल है लेकिन इधर हम मेनली इधर की बात कर रहे हैं, तो इधर नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, तो इसमें ये जो जैसा हम सोच रहे हैं वैसा नहीं होता, तो होना चाहिए क्या, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट का साइज छोटा है तो उसका गेनिंग टेंडेंसी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हो रहा है उल्टा। तो ये देखो बोरॉन के नीचे है एल्युमिनियम, तो इसका होना चाहिए कम लेकिन हो रहा है ज्यादा, वैसा ही सब में देखो। तो अब एक बात बताओ, हाँ इसका रीजन पर भी आएंगे हम, अभी देखो इसमें ये बोरॉन और एल्युमिनियम, ये कार्बन और सिलिकॉन, सब में देख लो वैसा ही। अब एक बात बताओ, इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है,
अगर तुमको ये पूछे कोई, अगर तुमको ये पूछे कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है, अगर मान लो तुमको पूछे, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? जैसे हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी में फाइंड करते थे, ट्रेंड देखते थे ऊपर से नीचे और लेफ्ट टू राइट कैसा है, तो इसमें बताओ इसमें ट्रेंड लेफ्ट टू राइट कैसा है, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इधर से इधर जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा किसका, फ्लोरीन का, यही ना, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इनर्ट गैस तो नहीं है ना उसमें, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, फ्लोरीन टॉप पर आता है इधर, और इधर जाते हैं तो इधर डिक्रीज हो रहा है, तो इधर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इधर नीचे से ऊपर जाओगे तो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इधर से इधर भी बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा तो यही होगा ना, सबसे ज्यादा इधर से इधर गए तो बढ़ रहा है और इधर भी जा रहे तो बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा टॉप पर यही यही का आएगा, मतलब फ्लोरीन आना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, तो फ्लोरीन से नीचे है थर्ड पीरियड, उसका एलिमेंट ज्यादा होता है फ्लोरीन से, तो फ्लोरीन से ज्यादा है किसका, क्लोरीन का, तो इसका मतलब आना चाहिए फ्लोरीन का टॉप को टॉप पर, लेकिन फ्लोरीन से ज्यादा है, फ्लोरीन से ज्यादा है क्लोरीन का, तो अगर फ्लोरीन से ज्यादा है क्लोरीन, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा होगा क्लोरीन का। ये जो ट्रेंड है सेकेंड से ज्यादा थर्ड का, ये सिर्फ ये ट्रेंड पीरियड टू और पीरियड थ्री में ही अप्लाई होता है। अब ऐसा नहीं कि पीरियड फोर में भी तुम सोचो कि पीरियड फोर जो है ये पीरियड थ्री से ज्यादा होगा, ऐसा नहीं, वहां जैसा चल रहा है वैसा ही है। सिर्फ रिवर्स होता है किसमें, सेकेंड और थर्ड पीरियड में, क्लियर? तो इसका मतलब पीरियड टेबल में सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा होगा क्लोरीन का, ठीक है, याद रहेगा? तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियड टेबल। अब देखो यहां पर, ये अगर तुमको हैलोजन का ये पूछा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हैलोजन फैमिली का, तो अगर इन जनरल हम सोचे तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि बढ़ रहा है साइज, साइज अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी घट रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, क्लोरीन टॉप पर आता है और फ्लोरीन सेकेंड पर आ जाता है, तो फ्लोरीन आ गया यहाँ तो ऑर्डर आ जाएगा ऐसा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन सल्फर, यहाँ पर अब देखो इससे ये नहीं पता चल रहा है कि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट कितना कम हुआ है, ये पता चल रहा है क्या? सिर्फ ये है कि इससे कम है, अब कितना कम है ये तो नहीं पता, कम है लेकिन, तो ये फ्लोरीन कम होगा, तो फ्लोरीन जस्ट सेकेंड नंबर पर आ जाता है, लेकिन ऑक्सीजन इतना कम हो जाता है ऑक्सीजन कि वो लास्ट में पहुंच जाता है, फिर नाइट्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली है ना, नाइट्रोजन फैमिली भी इतना कम हो जाता है कि वो लास्ट में पहुंच जाता है। तो देखो ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये लास्ट में है, बाकी का ट्रेंड वैसा ही है जैसा होना चाहिए, ठीक है? तो ये इसका रीजन पर हम आएंगे, ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली साइज इसका थोड़ा छोटा है ना, तो साइज छोटा है तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसमें रिपल्सन होता है, ठीक है? अभी हम आते हैं डिटेल में, पहले यहां तक समझ में आया, इसको लिख लो। क्वेश्चन लिखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन, व्हाई? तो अभी इसका रीजन अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, अभी तो हमने देख लिया है, ट्रेंड देख लिया है ना, तो उसमें तो पता है अपने को कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होता है, लेकिन क्यों होता है अभी इसका एग्जैक्ट रीजन अभी देखेंगे। तो रीजन वन क्या है, फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9, 1s2, 2s2, 2p5, तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन अगर तुम दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा, 2p को, लास्ट ऑर्बिट को मिलेगा ना, तो 2p को मिलेगा इलेक्ट्रॉन, तो 2p6 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ये पागल है क्योंकि ये हो जाएगा स्टेबल। तो क्लोरीन का भी, इसका भी लास्ट में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 3p में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए पागल है, तो दोनों को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों हो जाएगा स्टेबल। लेकिन सवाल ये है कि दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी किसका है? तो देखो अगर तुम भूखे की बात करो कि दोनों में भूखा कौन है, तो फ्लोरीन ज्यादा भूखा है, जैसा हम ऑर्डर लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हैं, मतलब साइज के कंपेयर में, तो साइज तो इसका छोटा है, सही बात है, इसका साइज छोटा है तो भूखा ज्यादा यह है, तो फिर इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी इसका ज्यादा होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसका साइज क्या है, छोटा है, तो देखो 2p का साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन जब इसमें जाएगा, और 3p का साइज बड़ा है, 3p का साइज बड़ा है ना, तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बताओ तो रिपल्सन ज्यादा इसमें होगा या इसमें होगा, इसमें होगा, तो उसमें रिपल्सन ज्यादा होगा क्योंकि साइज छोटा है, ड्यू टू लेस साइज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इज मोर इन केस ऑफ फ्लोरीन। तो सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट्स है, सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स है उसमें सब में साइज छोटा होने के कारण से
इलेक्ट्रॉन लेने के बाद रिपल्सन ज्यादा होता है। जैसे मान लो तुमको भूख ज्यादा लगा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो खाना अवेलेबल है वो खाना तुम्हारे लिए हेल्दी नहीं है या डॉक्टर ने मना किया है, तो भूख तो ज्यादा लगा है लेकिन खाने का टेंडेंसी कम है कि नहीं। तो सिर्फ ये फैक्टर नहीं है कि भूख ज्यादा लगा है या नहीं, यह भी देखना है कि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो कंफर्टेबल है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो प्रॉब्लम में है। अगर इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो प्रॉब्लम में है तो उसको खाने का टेंडेंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी कम हो जाएगा। तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तो रिपल्सन होगा, तो इससे इसका टेंडेंसी कम होगा। इसमें रिपल्सन बहुत ही कम है तो इसका टेंडेंसी इसके कंपेयर में ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इस पर इसके कंपेयर में ये ज्यादा होता है। फिर तुम बोलोगे कि इसके नीचे ब्रोमीन है तो उसका साइज तो और बड़ा है। अरे तो साइज बड़ा है, सिर्फ तुम साइज फैक्टर देख रहे हो, लेकिन सेंटर से लास्ट ऑर्बिट उसमें क्या होगा, 4p5 होगा, उसका लास्ट ऑर्बिट फोर्थ है ना, तो सेंटर से दूर भी हो जा रहा है। सिर्फ ये फैक्टर नहीं देखना है कि साइज बड़ा हो रहा है, ये भी देखना है कि भूख ज्यादा उसको लगा है या नहीं। ये भी तो कंडीशन है कि भूख भी तो रहना चाहिए ज्यादा। तो नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ रहा है तो सेंटर से, मतलब प्रोटॉन से, सेंटर के प्रोटॉन से दूर जा रहा है ना लास्ट ऑर्बिट, तो उसका अट्रैक्शन ही कम हो गया है। इसमें क्या है, इस दोनों में, इसमें थोड़ा सा इसके कंपेयर में अट्रैक्शन कम है थोड़ा सा, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये बहुत ही खुश है, ये ज्यादा भूखा है। मैंने क्या बताया, ये थोड़ा ज्यादा भूखा है कंपेयर टू दिस, लेकिन इलेक्ट्रॉन आने के बाद ये टेंशन में है। समझ में आया, भूखा ज्यादा है, सिर्फ इसी फैक्टर को नहीं लेना है कि भूखा ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन आने के बाद वो उसको कंफर्टेबल फील हो रहा है या नहीं। तो तुम भूखे ज्यादा हो लेकिन खाना ही टेस्टी नहीं है, खाना जो तुम नहीं खाते हो, जो तुमको पसंद नहीं है वैसा खाना रखा हुआ है, तो तुमको खाने का अट्रैक्शन कम होगा कि नहीं। तो ये कम होगा ये इससे, ठीक है, ये हो गया रीजन वन। रीजन टू, क्लोरीन हैज वैकेंट 3d ऑर्बिटल। अब देखो इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है क्या, इसके पास कोई डी ऑर्बिटल है क्या, वैकेंट नहीं है, लेकिन क्लोरीन के पास है, तो खाली ऑर्बिटल है इसके पास 3d, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने का टेंडेंसी थोड़ा और ज्यादा होगा क्योंकि खाली ऑर्बिटल है इसके पास, आएगा इसी में 3p में ही, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन दूर है तो थोड़ा सा टेंडेंसी अट्रैक्ट करने का ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये है रीजन टू, मेन रीजन ये है, ठीक है। नोट में लिख लो, ग्रुप 17 लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब आयोडीन इज मोर देन, इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वो ज्यादा होगा ग्रुप 16 हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब सल्फर। अब ऐसा क्यों, अभी देखो अगर तुमको क्वेश्चन अगर आ रहा है ऐसा कि सेकेंड और थर्ड पीरियड में अगर दे दिया तब तो आसान है, सेकेंड थर्ड पीरियड में अगर कंपेयर करना है तो तुम क्या करोगे, ये किसी एक ही ग्रुप में अगर दिया, जैसे मान लो फ्लोरीन क्लोरीन में दिया तो तुम क्या करोगे, क्लोरीन टॉप पर आएगा फ्लोरीन नीचे आएगा, यही ना। और ऑक्सीजन ग्रुप में दिया तो सल्फर ऊपर आएगा और ऑक्सीजन, तो देखे थे अभी ऑक्सीजन क्या था, ऑक्सीजन फैमिली में अभी देखे हैं ऑक्सीजन कहाँ पर आया था, सबसे नीचे आ गया था, नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन सबसे नीचे आ गया था। तो तुमको अगर सेम फैमिली का पूछा तब तो कोई टेंशन नहीं है, अगर सेम फैमिली का पूछा तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर तुमको दो डिफरेंट फैमिली का मिक्स कर दिया क्वेश्चन, वैसा करता है अगर दो डिफरेंट फैमिली का, मान लो 16 और 17 जैसा ये है, दो अलग अलग फैमिली का मिक्स कर दिया तो फिर तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, वहां पर तुमको प्रॉब्लम होगा। क्यों प्रॉब्लम होगा, क्योंकि तुमको अभी दो चीज सोचना पड़ेगा। जैसे हैलोजन फैमिली में, हैलोजन फैमिली नीचे की ओर घट रहा है तो सबसे नीचे का इसका दे दिया तो बहुत कम होगा, और उसके बगल में जो है ऑक्सीजन फैमिली या नाइट्रोजन फैमिली, अब उसके बगल वाला जो फैमिली है उससे तुम कंपेयर कैसे करोगे, ये क्वेश्चन। जैसे मान लो ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का सबसे कम है और उसके बगल में ऑक्सीजन फैमिली है, तो फ्लोरीन के बगल में जो ऑक्सीजन फैमिली है उसमें भी ऑर्डर क्या है, टॉप टू बॉटम घट रहा है, लेकिन ये ऑक्सीजन सबसे लास्ट में आ रहा है और इसमें फ्लोरीन सेकेंड पर आ रहा है। तो तुमको अगर दो इसका दे दिया या तीन इसका और तीन इसका तो तुम कैसे कंपेयर करोगे, तो वहां पर प्रॉब्लम आएगा, वहां पर ये रूल काम आएगा। ये रूल क्या है, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये क्या है, तुमको प्रॉब्लम क्या होगा कि इस दोनों को, जैसे ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन क्लोरीन, अपने को ये पता है ये सबसे टॉप पर आता है, ये पता है, और इसके बाद ये आएगा, मतलब ये हैलोजन फैमिली में, लेकिन ऑक्सीजन फैमिली में ये आएगा टॉप पर, उसके बाद कुछ एलिमेंट्स आएंगे लास्ट में आएगा ऑक्सीजन। अब तुमको कंफ्यूजन ये है कि ऑक्सीजन फैमिली में ये टॉप पर आता है और उसके बगल वाला हैलोजन फैमिली में ये नीचे आता है,
तो ये दोनों को कहाँ रखे अब? तो ये प्रॉब्लम है कि ये टॉप पर है, ठीक है, ये सेकंड पर है, लेकिन अपने फैमिली में ये भी टॉप पर है, तो इसका टॉपर और ये इसका सेकंड टॉपर में कैसे रिलेशन फाइंड करें? जैसे मान लो दो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल है, एक स्कूल में जो टॉपर है, सेम स्कूल में तो तुम सबको पहचानते हो, मान लो तुमको पता है सीरियल ऑर्डर में कौन टॉपर है, फिर रैंक वन, रैंक टू, रैंक थ्री, रैंक फोर, तो तुमको पता है अगर एग्जाम होने वाला है तो तुमने पहले ही एग्जाम से पहले ही रिजल्ट तुमने बता दिया कि ये, मतलब चार पांच लोग अगर एग्जाम दे रहे हैं जो टॉप फाइव के हैं, तो तुमको पहले से पता है इसका रैंकिंग क्या आने वाला है। सिमिलरली कोई दूसरा स्कूल है वहां पर भी ऐसा ही है, तो वहां पर भी वहां के जो स्टूडेंट है वो बता देगा कि टॉप फाइव में अगर जो भी है, जो जनरली टॉप फाइव रहता है, वैसा ही ऑर्डर रहेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये स्कूल का कुछ दो तीन स्टूडेंट और वो स्कूल का दो तीन स्टूडेंट आपस में एग्जाम दिए, मतलब ये दोनों के बीच में अब कंपटीशन है, तो फिर यहाँ का और यहाँ का अब कंपेयर करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ये भी देखना पड़ेगा कि इसका उस स्कूल का टॉपर और इसका जो नीचे वाला है वो दोनों में क्या रिलेशन है, मतलब उसका टॉपर और इसका जो नीचे वाला है, तो एग्जैक्टली तुमको फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। नहीं समझा बात? स्कूल नंबर वन का नीचे और स्कूल नंबर टू का टॉपर, अब ये दोनों में क्या रिलेशन है, अब कहाँ पर एग्जैक्टली किसको फिट करें, ये डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उस केस में क्या करेंगे, अब मान लो दो जो स्कूल है, एक स्कूल है मान लो ऐसा जो इंडिया का टॉप स्कूल है, वहां पर सारे बच्चे जो टॉप फाइव में है या टॉप टेन में भी है, टेंथ नंबर पर भी है ना, वो भी नॉर्मल स्कूल के टॉपर से भी आगे है, तो फिर तो बहुत आसान है ना फाइंड करना। अगर तुमको ये पता है कि उसके सारे स्टूडेंट टॉपर ही है, मतलब दूसरे स्कूल के टॉपर को भी पीछे छोड़ सकता है नीचे वाला भी, तो फिर तो आसान है। तो यहाँ ऐसा ही है। देखो ग्रुप 17 का लोएस्ट जो है ना, देखो यहाँ ग्रुप 17 का जो लोएस्ट है, जो सबसे कम है ना, कौन सा? आयोडीन। देखो ना, ये ग्रुप 17 में हैलोजन फैमिली में सबसे नीचे कौन सा है? आयोडीन, सबसे नीचे का टॉपर, मतलब ये लास्ट है ना। और ये उसके बगल वाले जो स्कूल है, मतलब ऑक्सीजन फैमिली, उसका टॉपर कौन है? ऑक्सीजन फैमिली का टॉपर सल्फर है, तो इसका जो टॉपर है ना हाईएस्ट, उसको भी पीछे छोड़ देता है इसका सबसे नीचे वाला। इसका मतलब ये मेन स्कूल है इंडिया का टॉप स्कूल और ये नीचे वाला, तो अब तो टेंशन ही खत्म। अगर तुमको इसका स्टूडेंट और इसका स्टूडेंट सीधा बता दोगे कि इसका स्टूडेंट कभी इसको पीछे छोड़ ही नहीं सकता, तो इसको आपस में रैंकिंग कर लो और इसको आपस में कर लो, सीधा आंसर है। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। तो देखो ये जो ट्रेंड बनाया हमने, ये इसके हिसाब से, ये देखो फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, तो इससे ज्यादा होगा। इसका देखो, इसका जो ये जो टॉपर है ना, वो भी इसके नीचे वाले से भी नीचे है, इसका टॉपर भी कम है इससे। फिर ये स्कूल का देखो, इसका इसका जो है ये लेस मार्क वाला है ना, ये सबसे कम सल्फर फैमिली, ये ऑक्सीजन फैमिली में सबसे कम मार्क्स इसी को आता था, ऑक्सीजन को, लेकिन ये भी टॉपर है, मतलब ये भी ये स्कूल के टॉपर से भी ज्यादा है। फिर ये स्कूल और इसके आप कंपेयर करें, तो इसका टॉपर और इसका सबसे कम, ये भी इसके टॉपर से ज्यादा है, तो अब तो आसान है ना। आप बताओ तो ये ट्रेंड यहाँ पर क्या क्या होगा? सबसे ज्यादा क्लोरीन का होगा, सबसे ज्यादा होगा ना क्लोरीन का, उसके बाद फ्लोरीन। ये स्कूल नंबर वन फर्स्ट स्कूल का स्टूडेंट है ना, तो ये दोनों आएगा टॉप पर और ये दोनों ये सेकंड नंबर पर, लेकिन ये दोनों आपस में क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ये दोनों जिस स्कूल में पढ़ता है वो स्कूल का रैंकिंग बहुत नीचे है, तो अब बताओ ट्रेंड, बताओ फाइनल ट्रेंड, सल्फर ज्यादा है ना ऑक्सीजन से, ये दोनों क्या है, जिस स्कूल में पढ़ता है उसमें ये ज्यादा है, टॉपर है, ठीक है। अब इसमें बताओ, सीधा है ये, तो इसमें कौन सा होगा? ये सिलिकॉन, फिर ये कार्बन, और ये दोनों ये स्कूल इस स्कूल के कंपेयर में कम है, क्लियर। चलो ये आंसर दो, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, विच इज लीस्ट स्टेबल इन आयन। अब देखो एफ माइनस, एस माइनस, बेरिलियम माइनस, लिथियम माइनस, चलो जल्दी से सोचो इसको। आगे आंसर क्या होगा? बी माइनस सी। क्यों? देखो ये दोनों मेटल है, अभी हमने स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी देखा था, तो वहां से भी हम बता सकते हैं लीस्ट स्टेबल बी माइनस होगा। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि पहले से ये 2s2 है। देखो ये दोनों मेटल है और ये दोनों नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का थोड़ा सा ज्यादा है टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने का, तो ये दोनों कम होगा इस दोनों के कंपेयर में, लेकिन इस दोनों में
ज्यादा कम किसका? तो ये दोनों मेटल है ना, तो इस दोनों में इसका ज्यादा है कम, मतलब इसका बहुत ही कम है, सबसे कम इसी का, क्योंकि 2s2 पहले से था स्टेबल, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करता है, और ये 2s1 था, तो ये इलेक्ट्रॉन, इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा है, तो लिथियम माइनस ज्यादा स्टेबल था इससे। क्लियर? चलो लिखो इसको। अब हम आते हैं लास्ट लेक्चर के होमवर्क पर। होमवर्क नंबर 15 का आंसर क्या होगा? इसमें क्या पूछ रहा है? हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी तुमको फाइंड करना है। तो ये देखो, ये है 1s2 2s2, ये किसका है? बेरिलियम ना, चार इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1s2 2s2 ये है बेरिलियम, ये फ्लोरीन है ना, 1s2 2s2 2p5, टोटल कितना? 5 2 7 2 9, तो ये है फ्लोरीन, ये किसका है? ऑक्सीजन, और ये नाइट्रोजन। तो अब देखो, ये सारे सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट का पता ही है ऑर्डर, बेरिलियम के बाद, यहाँ पर बोरॉन सीरियल ऑर्डर में अगर देखें तो बेरिलियम के बाद क्या होगा? बोरॉन होगा, वैसे तो ये फुलफिल है ना, लेकिन ऑर्डर अगर हम लिखें तो बेरिलियम, बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब इसमें से कौन सा दिया है और कौन सा नहीं दिया है? तो इसमें सारे नहीं दिया हुआ है, बोरॉन दिया है क्या? तो बेरिलियम दिया है, और कौन सा दिया है? ये उसके बाद नाइट्रोजन, कार्बन दिया है क्या? नहीं दिया, नाइट्रोजन दिया है ना, ये नाइट्रोजन, और उसके बाद ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये चारों है। तो बेरिलियम और बोरॉन में ये फुलफिल्ड है, तो बोरॉन से ज्यादा होगा, लेकिन बोरॉन है ही नहीं। उसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो बेरिलियम के बाद क्या होगा? बेरिलियम से ज्यादा है ना नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसका ज्यादा? नाइट्रोजन फुलफिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ये ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा फ्लोरीन, सबसे टॉप पर यही आएगा ना, इधर बढ़ रहा है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये दोनों सिर्फ रिवर्स होगा, ये तो सबसे ज्यादा ही होगा, तो आंसर इज बी, इसका आंसर होगा बी। चलो इसका बताओ, फाइंड द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, कॉपर AgAu, ये एक्सेप्शन था, मतलब इस टाइप का हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नॉर्मल अगर सोचे तो देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट है ना सारे, कॉपर AgAu, ये सारे कैसा है मेटल, ये सब क्वाइंस बनाने के लिए काम आता है ना, क्वाइंस मेटल है ये। तो टॉप टू बॉटम अगर हम सोचे तो क्या होता है? टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, अगर ये साइज क्या हो रहा है, इन जनरल बात करें तो बढ़ रहा है ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रहा है। तो अगर हम नॉर्मली सोचे तो कॉपर, उसके बाद Ag और Au, नॉर्मली सोचे तो ये घटना चाहिए, ठीक है, लेकिन Au पर, Au कहाँ पर है? ये लेंथनर कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट Au पर आएगा, बाकी पर नहीं आएगा, तो Au से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, तो ये आ जाएगा टॉप पर, ठीक है, तो ये यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ आ जाएगा Au सबसे पहले, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसमें देखो, इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये सारे सीरियल ऑर्डर में है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सीरियल ऑर्डर में है ना, देखो ना, सारे हैं सीरियल ऑर्डर में सेकेंड पीरियड में। तो क्या करो, इसमें थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है, तो दो इलेक्ट्रॉन पहले ही इसमें से रिमूव कर दो, थर्ड का मतलब क्या, दो ऑलरेडी निकल चुका है, तो कार्बन पर भी आएगा 2+, नाइट्रोजन पर भी 2+, और ऑक्सीजन पर भी 2+, सब पर आएगा 2+, ठीक है, तो सब पर 2+ आएगा, तो बताओ तो क्या बचेगा इसके पास, कार्बन के पास होता कितना है, 2.4, 1s2 2s2 2p2, दो इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से, तो कैसा दिखेगा ये, 2.2 मतलब 2s2 दिखेगा, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये क्या दिखेगा, 2s2 2p1, तो ये 2s2 2p1, इसमें ये जस्ट बाद है ना, तो 2p2 और ये 2p3 होगा। तो आप बताओ ये सीरियल ऑर्डर में क्या होगा, ये दोनों में कंपेयर करें तो ये ज्यादा होगा, लेकिन अपने को क्या पूछ रहा है, अपने को ऑर्डर ही पूछ रहा है, हाँ ऑर्डर पूछ रहा है ना, तो लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बढ़ेगा ना, लेकिन ये बढ़ तो रहा है, बट यहाँ ये दोनों, ये इसका इससे ज्यादा होगा, तो नाइट्रोजन पहले फिर ये कार्बन, इस दोनों में ये हाफ फील्ड है, बट ये ऑलरेडी टॉप पर आएगा, इसके बाद तो कुछ है नहीं ना, तो ये जैसा चलेगा वैसा ही होगा, तो ये ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन, क्लियर। चलो नेक्स्ट, इसमें क्या पूछ रहा है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है, Fe+, Fe2+, Fe3+, तो देखो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तुमको फर्स्ट पूछ रहा है, मतलब अब इसमें से एक निकल चुका है, अब तुमको फर्स्ट निकालना है, मतलब न्यूट्रल से एक तरह से देखा जाए तो न्यूट्रल से सेकेंड निकालना है, इस केस में ऑलरेडी दो निकल चुका है, अब फर्स्ट निकालना है, मतलब अब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है न्यूट्रल से, और इस केस में अब फोर्थ निकालना है न्यूट्रल के कंपेयर में, ठीक है, तो इसमें बताओ कौन सा होगा सबसे ज्यादा, Fe3+, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, अब इसका साइज छोटा हो गया होगा, अब यहाँ से
इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि प्रोटॉन तो उतना ही, इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो अब ये इस तीनों में सबसे ज्यादा, इसका फिर इसका फिर इसका, क्लियर। चलो इसमें देखो, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज फॉर द फॉलोइंग। अब ये सब का तुमको साइज बताना है, Mg, Mg2+, Al। अब ये सब में क्या करो, सबसे पहले ये फाइंड करो कि ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है। Mg और Al दोनों देखो, दोनों सेकेंड पीरियड का ही है, ये सॉरी थर्ड पीरियड का ही है। Mg भी और Al भी दोनों है थर्ड पीरियड का। अब ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन सबके पास, किसी के पास ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इतना कम हो गया कि एक एक ऑर्बिट ही कम हो गया, ये भी चेक करना पड़ेगा। अगर सबके पास सेम ऑर्बिट है तो फिर उसमें कंपेयर करेंगे, और अगर मान लो डिफरेंट ऑर्बिट है तो फिर उसको कंपेयर करने का मेथड अलग है। तो अब बताओ, सोडियम नहीं, ये Mg के पास कितने हैं, और ये इलेक्ट्रॉन Mg के पास 12 और प्रोटॉन भी 12, Mg2+ के पास 10 और 12, Al के पास 13 और Al3+ 10 13। तो अब देखो, ये दोनों के पास सेम इलेक्ट्रॉन है, 10 10 है ना, और ये दोनों के पास इलेक्ट्रॉन तो डिफरेंट है लेकिन ऑर्बिट सेम है। तुम देख लो, ये 10 10 का मतलब क्या, 2.8। ये 10 का मतलब क्या, 10 है किसका, नियॉन का। तो ये इससे दो इलेक्ट्रॉन और इससे तीन इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये दोनों हो गया है, ये दोनों छोटा हो गया क्योंकि इस दोनों में अब दो ही ऑर्बिट है। तो ये तो फिक्स है कि Mg2+ और Al3+ का साइज कम होगा, मतलब Mg2+ और ये Al3+, ये तो फिक्स है कि ये दोनों का उसका साइज कम होगा, किससे, Mg और Al से इससे कम होगा इसका, इस दोनों का। अब इस दोनों में कौन कम होगा और फिर इस दोनों में कौन सा होगा लेस, वो फाइंड करना है अपने को। तो बताओ, Mg2+ और Al3+ में, ये दोनों में देखो इलेक्ट्रॉन तो सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है ना, लेकिन प्रोटॉन डिफरेंट है। तो प्रोटॉन अगर डिफरेंट है तो उसका आंसर कैसे करेंगे, उसको सोल्व, ये इस दोनों में देखो, ये 12 और ये 13, तो Mg2+ का अट्रैक्शन ज्यादा है या Al3+ का, Al3+ के पास प्रोटॉन ज्यादा है तो Al3+ का साइज कम होगा। तो सबसे छोटा हो गया कौन सा, Al3+ होगा, उसके बाद Mg2+। अब इस दोनों में बताओ, इस दोनों में देखो Mg और Al, Mg कहां पर है, यहां, और उसके बाद Al। अभी हम आयनाइजेशन एनर्जी नहीं देख रहे हैं, अभी हम साइज देख रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इधर बढ़ रहा है। तो Mg और Al में किसका ज्यादा होगा, ये इधर की ओर साइज छोटा हो रहा है ना, अभी आयनाइजेशन एनर्जी नहीं, अभी साइज की बात करें। तो Mg और Al में Mg होगा बड़ा, Al होगा छोटा और Mg होगा बड़ा, राइट। और ये दोनों इस दोनों से बड़ा होगा क्योंकि इस दोनों में कितने, 3 ऑर्बिट है ना, 3 सेल है, और इस दोनों में 2 ही है, क्लियर, समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले कितने ऑर्बिट है वो फाइंड करो और फिर उसके बाद उसको आंसर करो, ठीक है। चलो लिखो,